चैप्टर फोर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च इस चैप्टर में हम निम्नलिखित क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप क्या है अच्छे मार्केटिंग रिसर्च के संचालन में क्या स्टेप्स शामिल हैं मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए सबसे बेस्ट मैट्रिक्स क्या हैं? शॉर्ट रन में सबसे अच्छे पॉसिबल टैक्टिकल डिसीजन और लॉन्ग रन में स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए मार्केटर्स को कंज्यूमर्स कॉम्पिटिशन और उनके व्रत के बारे में समय पर एक्यूरेट और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है मार्केटिंग इनसाइट की खोज करना और इसके इंप्लीकेशन को समझना अक्सर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च या किसी ब्रांड की ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है ऑनलाइन अपडेट्स से जुड़े रहना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च अपना नया गैलेक्सी S3 स्मार्टफोन लॉन्च करने में सैमसंग को एप्पल में एक फॉर्मिडेबल मजबूत अपोनेंट का सामना करना पड़ा ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए सैमसंग ने आईफोन के बारे में बार बार की जाने वाली नेगेटिव कमेंट्स को जानने के लिए सैकड़ों हज़ारों ट्वीट्स और ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस को छाना इसकी नए कैंपेन के एक ऐड में उन एप्पल फनाटिक्स का मज़ाक उड़ाया गया जो नवीनतम आईफोन मॉडल के लिए लाइन में ईगली इंतज़ार कर रहे थे अदर नेक्स्ट बिग थिंग इज ऑलरेडी हियर कि टैग के साथ एड ने स्क्रीन साइज़ और एनएफसी फ़ाइल स्वैपिंग टेक्नोलॉजी जैसी फ़ीचर्स को दिखाया जहां सैमसंग को फ़ायदा था यह इस क्लेवर ट्विस्ट के साथ समाप्त हुआ कि लाइन में सैमसंग फोन यूजर जिसके फोन में वे सभी फीचर्स थे जिनकी एप्पल यूजर्स को उम्मीद थी अपने पेरेंट्स के लिए बस स्पॉट सेव कर रहा था ऑनलाइन एक बहुत बड़ी हिट एड ने यूट्यूब पर मिलियंस डाउनलोड्स आकर्षित किए टीवी एड गैलेक्सी एस फीचर्स की एक लॉन्ग लिस्ट को आईफोन के लिए बहुत स्मॉल लिस्ट के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हुए पहले के एक प्रिंट एड का फॉलोअप था इसने एप्पल और इसके जीनियस रिटेल एम्प्लॉयज का भी मजाक उड़ाया और टैगलाइन जोड़ा बिट टेक अ जीनियस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग मैनेजर्स अक्सर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के फॉर्मल मार्केटिंग स्टडीज को चालू करते हैं कमीशन करते हैं जैसे कि मार्केट सर्वे प्रोडक्ट प्रेफरेंस टेस्ट रीजन से सेल्स फोकास्ट या एडवर्टाइजिंग इवेल्यूएशन मार्केटिंग रिसर्चर का काम मार्केटिंग मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में मदद करने के लिए इंसाइट पैदा करना है फॉर्मली अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है मार्केटिंग रिसर्च वह फंक्शन है जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कंज्यूमर कस्टमर और पब्लिक को मार्केटर से जोड़ता है यह इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग ऑपरचुनिटीज और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के लिए उपयोग की जाती है मार्केटिंग एक्शंस को जेनरेट रिफाइन और इवेल्युएट करने के लिए मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और मार्केटिंग की समझ को एक प्रोसेस के रूप में सुधारने के लिए मार्केटिंग रिसर्च इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए मेथड को डिजाइन करता है डेटा कलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है और लागू करता है रिजल्ट्स का विश्लेषण करता है और फाइंडिंग्स और उनके इम्प्लीकेशंस को कम्युनिकेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंसाइट्स मार्केटिंग रिसर्च का पूरा संबंध इंसाइट्स को जेनरेट करने से होता है मार्केटिंग इंसाइट्स इस बारे में डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं कि हम मार्केट प्लेस में सर्टन इफेक्ट्स को कैसे और क्यों ऑब्जर्व करते हैं और मार्केटर्स के लिए इसका क्या मतलब है गुड मार्केटिंग इनसाइट्स ऑफ एन फ्रॉम द बेसिस ऑफ अच्छी मार्केटिंग इनसाइट्स अक्सर सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोग्राम्स का बेसिस बनती है जब वॉलमार्ट द्वारा यूएस रिटेल शॉपर्स के एक व्यापक कंज्यूमर रिसर्च स्टडी से पता चला कि स्टोर के प्रमुख कंपिटेटिव एडवांटेजेस फंक्शनल बेनिफिट ऑफर्स लो प्राइसेज और इमोशनल बेनिफिट मेक्स मी फील लाइक अ स्मार्ट शॉपर थे तो इसके मार्केटर्स ने उन इनसाइट्स का उपयोग अपने सेव मनी लाइव बेटर कैंपेन को विकसित करने के लिए किया जब मार्केटिंग रिसर्च से पता चला कि कंज्यूमर्स ने वॉलग्रींस को मुख्य रूप से एप फार्मेसी से जुड़े कन्वीनियंस स्टोर के रूप में देखा तो कंपनी ने खुद को प्रीमियम हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में रिपोजिशन करने के लिए कदम उठाए इसके वेलनेस ऑफरिंग्स जैसे कि इसके वॉक इन क्लिनिक्स पर अधिक जोर दिया मार्केटिंग इनसाइट्स प्राप्त करना मार्केटिंग सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है अपने डॉलर तीन बिलियन पैंटीन हे अकेयर ब्रांड के मार्केटिंग में सुधार करने के लिए प्रॉक्टर अगैम्बल ने महिलाओं की हेयर के बारे में फीलिंग्स के बारे में गहराई से जानने के लिए अध्ययन किया साइकोलॉजी से मूड स्केल्स वाले सर्वेस ब्रेन वेव्स को मापने के लिए हाई हायरसोल्यूशन ईजी रिसर्च और अन्य मेथड्स का उपयोग किया इसके रिजल्ट के रूप में कंपनी ने पैंटीन प्रोडक्ट्स को फिर से बनाया रिफोर्म्यूलेटेड पैकेजेस को फिर से डिजाइन किया लाइन को चौदह कलेक्शंस से घटाकर आट किया और एड कैंपेन को फाइन ट्यून किया यदि मार्केटर्स के पास कंज्यूमर इंसाइट्स नहीं होती हैं तो वे अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं जब ट्रॉपिकाना ने अपने ऑरेंज जूस पैकेजिंग को फिर से डिजाइन किया तो ऑरेंज को स्ट्रॉ से स्क्योअर करते हुए कि आइकॉनिक इमेज को हटाकर यह कंज्यूमर रिएक्शंस के लिए पर्याप्त रूप से टेस्ट करने में असफल रहा जिसके विनाशकारी परिणाम सामने आए सेल्स में 20 प्रतिशत की गिरावट आई और ट्रॉपिकाना ने कुछ ही महीनों के बाद पुराने पैकेज डिजाइन को फिर से लागू कर दिया हुज़ मार्किंग रिसर्च ओपिनियन और मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स की वर्ल्ड एसोसिएशन के अनुसार मार्केटिंग रिसर्च पर खर्च 2013 में ग्लोबली चालीस बिलियन से अधिक था आठ ज्यादातर लार्ज कंपनीज के अपने मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर महत्वपूर्ण रोल्स निभाते हैं प्रॉक्टर अ गैम्बल अपने मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का वर्णन इस प्रकार करता है नौ कंज्यूमर मार्केट नॉलेज सीएमके डिपार्टमेंट पीएजी का महत्वपूर्ण इंटरनल कॉम पास है जो कंज्यूमर्स शॉपर्स और रिटेल ट्रेड के इनडेप्थ एनालिसिस के आधार पर ब्रांड और कस्टमर बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से संबंधित डिसीजंस का मार्गदर्शन करता है और उन्हें चैंपियन करता है CMK, behavior, के मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर हैबिट्स मोटिवेशंस शॉपर बिहेवियर कस्टमर और कंपिटेटिव डायनामिक्स के एनालिसिस का नेतृत्व करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंज्यूमर और शॉप रिसर्च स्टडीज को डिजाइन और एनालाइज करता है साथ ही सिंडिकेटेड मार्केट डेटा का भी सीएमके एक इंटेग्रल पार्टनर है जो कॉन्सेप्ट के डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक और फिर इन मार्केट लॉन्च के माध्यम से बिजनेस ग्रोथ को चलाने तक ब्रांड लाइफ साइकिल के सभी चरणों में इन्वॉल्व रहता है सीएमके पीएजी की स्टेटेड ग्लोबल स्ट्रैटेजी कंज्यूमर इज बॉस को साकार टू लाइफ करता है हालांकि मार्केटिंग रिसर्च बड़ी बजट्स और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट्स वाली लार्ज कंपनीज तक सीमित नहीं है अक्सर बहुत छोटी कंपनीज में हर कोई मार्केटिंग रिसर्च करता है कस्टमर्स सहित स्मॉल कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च फर्म की सर्विसेज भी हायर कर सकती हैं या रिसर्च को क्रिएटिव और अफोर्डेबल वे से कर सकती हैं जैसे कि एंगेजिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स टू डिजाइन एंड कैरी आउट प्रोजेक्ट्स एट आईटी जी सैमसंग शेल ऑल और अन्य ने इनोवेशन चैलेंज को स्पॉन्सर करके एक क्राउडकास्टिंग एक्सरसाइज में भाग लिया है जहां टॉप एमबीए स्टूडेंट्स कंपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए टीम्स में कॉम्पीट करते हैं स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस और विजिबिलिटी प्राप्त होती है कंपनीज को बहुत कम फी में जो कंसल्टेंट्स चार्ज करते उससे समस्याओं को हल करने के लिए नए नजरिया प्राप्त होते हैं टेन नॉन प्रॉफिट यूनाइटेड वे यूजेस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स क्रिटिकल मार्केटिंग रिसर्च रिसोर्सेज के रूप में मार्केट प्लेस डेटा को कलेक्ट और कंसोलिडेट करने और लार्जर रिसर्च प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए दो यूजिंग द इंटरनेट कंपनी कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट्स एग्जामिन करके चैट रूम्स और ब्लॉग्स को मॉनिटर करके और पब्लिश डेटा एक्सेस करके कम कॉस्ट पर कॉन्सिडरेबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है रेडियंट अटेंसिटी और लिथियम जैसी कंपनीज के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स फर्म्स को ऑनलाइन बस में टॉप पर रखते हैं होम वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी एक्वेजाना यह कलेक्ट करने के लिए नेट नेटबेस के टूल्स का उपयोग करती है कि लोग ट्विटर फेसबुक न्यूज साइट्स ब्लॉग्स मैसेज बोर्ड्स और अन्य किसी भी जगह जहां रेलेवेंट ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस होते हैं पर और अदर कॉम्पेटिटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं ट्वेल्व तीन चेकिंग आउट राइवल्स कई स्मॉल बिजनेसेस जैसे रेस्टोरेंट्स होटल्स या स्पेशलिटी रिटेलर्स कॉम्पेटिटर्स के पास रूटीनली जाते हैं ताकि उनके द्वारा किए गए चेंजेस के बारे में जान सकें टॉम स्टेमबर्ग जिन्होंने ऑफिस सप्लाई सुपरस्टोर स्टोर स्टैपल्स की स्थापना की थी अपने स्टोर्स कॉम्पेटिटर्स के स्टोर्स और अपनी कैटेगरी के बाहर के स्टोर्स में वीकली अनअनाउंस्ड विजिट्स करते थे उनका फोकस हमेशा इस पर रहता था कि स्टैपल्स को इम्प्रूव करने के लिए आइडियाज़ प्राप्त करने के लिए द स्टोव वॉज डूइंग राइट क्या था थर्टीन चार अटैपिंग इन टू मार्केटिंग पार्टनर एक्सपर्टीज मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स एड एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्य मार्केटिंग पार्टनर्स संचित अक्यूमलेटेड किए गए रेलेवेंट मार्केट नॉलेज को शेयर कर सकते हैं स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेसेस को टारगेट करने वाले पार्टनर्स विशेष रूप से हेल्पफुल हो सकते हैं उदाहरण के लिए चाइना को अधिक शिपिंग को प्रोमोट करने के लिए यूपीन्स ने चाइनीज मार्केट के कई इंडेप्थ सर्वेस किए ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पोर्ट्रे किया जा सके और स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए इसके अपॉर्चुनिटीज को भी फोर्टीन पंच टैपिंग इनटू एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड विजडम शायद ही कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विसेज और ब्रत्स को इसके एम्प्लॉयीज से बेहतर समझता है और कस्टमर्स के साथ अधिक कॉन्टैक्ट में आता है सॉफ्टवेयर मेकर इंटुईट एम्प्लॉयज़ को चार से छह सदस्यों वाले टू पिज़्ज़ा टीम्स में रखता है जिसे ऐसा कहा जाता है क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए केवल दो पिज़्जा लगते हैं वे सभी क्षेत्रों के कस्टमर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं जिन्हें इंट्विट सॉल्व करने में सक्षम हो सकता है इंट्विट एम्प्लॉयज के सभी प्रोपोज सोल्यूशन्स लेता है और उनके साथ प्रयोग करता है उन आइडियाज़ के पीछे प्रोडक्ट्स बनाता है जो सबसे अच्छी तरह से काम करते हैं फिफ्टीन अधिकांश कंपनीज अपने इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर्स ऑडियंसेज और चैनल स्ट्रैटेजीज का अध्ययन करने के लिए रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है वे आमतौर पर मार्केटिंग रिसर्च के लिए कंपनी सेल्स के एक प्रतिशत से दो प्रतिशत का बजट रखते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा आउटसाइड फर्म्स की सर्विसेज पर खर्च करते हैं मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स तीन कैटेगोरीज में आती हैं सिंडिकेटेड सर्विस रिसर्च फर्म्स ये फर्म्स कंज्यूमर और ट्रेड इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं जिसे वे फी में बेचती हैं एग्जाम्पल्स में नीलसन कंपनी ग्रुप वेस्टैट और इरी शामिल हैं कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स इन फर्म्स को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए हायर किया जाता है वे स्टडी डिज़ाइन करते हैं और फाइंडिंग्स रिपोर्ट करते हैं स्पेशलिटी लाइन मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स ये फर्म्स स्पेशलाइज्ड रिसर्च सर्विसेज प्रदान करती हैं सबसे अच्छा उदाहरण फील्ड सर्विस फर्म है जो अन्य फर्म्स को फील्ड इंटरव्यूइंग सर्विसेज बेचती है ओवरकमिंग बैरियर्स टू द यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च की रैपिड ग्रोथ के बावजूद कई कंपनीज अभी भी इसका पर्याप्त या सही ढंग से उपयोग करने में विफल रहती है वे यह नहीं समझ सकते हैं कि यह किस योग्य है या रिसर्चर को सही प्रॉब्लम डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके साथ काम करना हो उनके रिसर्चर्स क्या ऑफर कर सकते हैं इस बारे में भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च का ठीक से उपयोग करने में विफलता के कारण कई भूले गैफ्स हुई हैं जिनमें यह हिस्टोरिक गलती भी शामिल है 16. स्टार वॉर्स 1970 के दशक में एक सक्सेसफुल मार्केटिंग रिसर्च एग्जीक्यूटिव ने जनरल फूड्स को छोड़ा और एक साहसिक चाल गैम्बिट की कोशिश की हॉलीवुड में मार्केट रिसर्च लाना ताकि फिल्म स्टूडियोज को उसी रिसर्च तक एक्सेस मिल सके जिसने जनरल फूड्स की सक्सेस को बढ़ावा दिया था एक मेजर फिल्म स्टूडियो ने उसे एप साइंस फिक्शन फिल्म प्रपोजल दिया और उससे रिसर्च करने और उसकी सक्सेस या फेलियर प्रिडिक्ट करने के लिए कहा उसके व्यू स्टूडियो के इस डिसीजन को इन्फॉर्म करते कि फिल्म को बैक किया जाए या नहीं रिसर्च एग्जीक्यूटिव ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म फेल होगी पहली बात तो उनका तर्क था कि वाटरगेट ने यूनाइटेड स्टेट्स को इंस्टीट्यूशंस पर कम भरोसा करने वाला बना दिया था और परिणामस्वरूप 1970 के दशक में इसके सिटीजन साइंस फिक्शन के ऊपर रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी को महत्व देते थे इस पर्टिकुलर फिल्म के टाइटल में वॉर शब्द भी था एग्जीक्यूटिव ने तर्क दिया कि व्यूअर्स जो पोस्ट वियतनाम हैंगओवर से पीड़ित हैं बड़ी संख्या में दूर रहेंगे फिल्म स्टार वॉर्स थी जिसने इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस रिसीट्स में ही चार डॉट तीन बिलियन से अधिक की कमाई की इस रिसर्चर ने जो दिया वह इन्फॉर्मेशन थी इनसाइट नहीं वह स्क्रिप्ट का अध्ययन करने में विफल रहा यह देखने के लिए कि यह मूल रूप से एक ह्यूमन स्टोरी थी प्यार कॉन्फ्लिक्ट लॉस और रिडेम्पशन की जो कि स्पेस के बैकड्रॉप में घटित हुई थी द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस सभी उपलब्ध रिसोर्सेज और प्रैक्टिसेस का लाभ उठाने के लिए अच्छे मार्केटर्स एक फॉर्मल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस अपनाते हैं जो फिगर चार दशमलव एक में दिखाए गए छह स्टेप्स को फॉलो करता है हम इन स्टेप्स को निम्नलिखित सिचुएशन में इलस्ट्रेट करते हैं सेवनटीन अमेरिकन एयरलाइंस अपने प्लेन्स पर फोन हैंडसेट्स इंस्टॉल करने वाली पहली कंपनीज में से एक थी अब यह कई नए आइडियाज को रिव्यू कर रहा है विशेष रूप से बहुत लंबी फ्लाइट्स पर अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को केटर करने के लिए मुख्य रूप से बिजनेस पीपल जिनके हाई प्राइस टिकट्स ज्यादातर कॉस्ट्स कवर करते हैं इन आइडियाज में शामिल हैं एक अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस दो हाई डेफिनेशन सैटेलाइट केबल टीवी के 124 चैनल्स और तीन एक 250 सीडी ऑडियो सिस्टम जो प्रत्येक पैसेंजर को एक इन फ्लाइट प्लेलिस्ट बनाने देता है मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर को यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए असाइन किया गया था कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इन सर्विसेज को कैसे रेट करेंगे स्पेसिफिकली अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई को और वे कितना एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होंगे एक सोर्स वाईफाई एक्सेस से 10 वर्षों में 70 डॉलर मिलियन का रेवेन्यूज एस्टिमेट करता है यदि पर्याप्त फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ने पच्चीस डॉलर पे किए इस प्रकार अपने कॉस्ट को एक रीजनेबल टाइम में रिकवर कर सकता है यह देखते हुए कि कनेक्शन को अवेलेबल कराने में प्रति प्लेन नब्बे हज़ार डॉलर का खर्च होगा स्टेप वन डिफाइन द प्रॉब्लम द डिसीजन ऑल्टरनेटिव एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मार्केटिंग मैनेजर्स को सावधान रहना चाहिए कि वे मार्केटिंग रिसर्चर के लिए प्रॉब्लम को बहुत ब्रॉडली या बहुत नैरोली डिफाइन न करें एक मार्केटिंग मैनेजर जो कहता है उन सभी बातों का पता लगाओ जो फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवलर्स की नीड्स के बारे में हो सके वो बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो कहता है पता लगाओ कि क्या शिकागो और टोक्यो के बीच डायरेक्ट उड़ान भरने वाले भी सात सौ सतहत्तर में सवार पर्याप्त पैसेंजर्स अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस के लिए पच्चीस डॉलर पे करेंगे ताकि हम इस सर्विस को ऑफर करने के कॉस्ट पर एक साल में ब्रेक इवन कर सकें वह प्रॉब्लम का बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण ले रहा है स्टेप वन कंटिन्यू डिफाइन द प्रॉब्लम द डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मार्केटिंग रिसर्चर खनो हुए वाईफाई की कीमत 25 डॉलर के बजाय 15 डॉलर 35 डॉलर या किसी अन्य कीमत पर क्यों होनी चाहिए अमेरिकन को सर्विस पर ब्रेक इवन क्यों करना है खासकर यदि यह नए कस्टमर्स को आकर्षित करता है एक अन्य रेलेवेंट क्वेश्चन है मार्केट में फर्स्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है और कंपनी अपने लीड को कितने समय तक बनाए रख सकती है मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग रिसर्चर इस प्रॉब्लम को इस प्रकार डिफाइन करने के लिए सहमत हुए क्या अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस की पेशकश अमेरिकन द्वारा किए जा सकने वाले अन्य सर्विस एनहेंसमेंट्स के मुकाबले उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त इंक्रीमेंटल प्रेफरेंस और प्रॉफिट पैदा करेगी रिसर्च डिजाइन करने में मदद करने के लिए मैनेजमेंट को पहले उन डिसीजंस को बताना चाहिए जिनका वह सामना कर सकता है और फिर वह पीछे की ओर काम कर सकता है मान लीजिए कि मैनेजमेंट इन डिसीजंस को आउटलाइन करता है एक क्या अमेरिकन को अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस ऑफर करनी चाहिए दो यदि हां तो क्या इसे केवल फर्स्ट क्लास को ऑफर करना चाहिए या बिजनेस क्लास और संभवतः इकोनॉमी क्लास को भी शामिल करना चाहिए तीन क्या प्राइस एस चार्ज की जानी चाहिए चार किम प्रकार के प्लेन्स और ट्रिप ड्यूरेशन पर सर्विस की ऑफर की जानी चाहिए अब मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्चर्स स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए तैयार हैं एक किन प्रकार के फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस पर सबसे अधिक रिस्पॉन्ड करेंगे दो विभिन्न प्राइस लेवल्स पर कितने इसका उपयोग करेंगे तीन इस नई सर्विस के कारण कितने लोग अमेरिकन को चुन सकते हैं चार यह सर्विस अमेरिकन की इमेज में कितनी लॉन्ग टर्म गुडविल बढ़ाएगी पांच फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस अन्य सर्विसेज जैसे पावर प्लग या एनहांस्ड एंटरटेनमेंट के मुकाबले कितनी इम्पोर्टेंट है सभी रिसर्च इतने स्पेसिफिक नहीं हो सकते कुछ एक्सप्लोरेटरी होते हैं इनका गोल प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करना और पॉसिबल सॉल्यूशंस सजेस्ट करना होता है कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं वे डिमांड को क्वांटिफाई करना चाहते हैं जैसे कि कितने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स पच्चीस डॉलर में हाई स्पीड वाईफाई सर्विस खरीदेंगे कुछ रिसर्च कॉजल होते हैं इनका पर्पस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करना होता है स्टेप ट्यू डिवेलप्ड रिसर्च प्लान मार्केटिंग रिसर्च के दूसरे स्टेज में हम आवश्यक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे एफिशियंट प्लान डेवेलप करते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट होगी मान लीजिए कि अमेरिकन ने एक प्रायर एस्टिमेट किया है कि अल्ट्राहाई स्पीड वाई फाई सर्विस लॉन्च करने से पचास हजार डॉलर का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्राप्त होगा यदि मैनेजर का मानना है कि मार्केटिंग रिसर्च से एक बेहतर प्राइसिंग और प्रमोशनल प्लान और नब्बे हजार डॉलर का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा तो उसे इस रिसर्च पर चालीस हजार डॉलर तक खर्च करने को तैयार होना चाहिए यदि रिसर्च पर चालीस हजार डॉलर से अधिक खर्च होगा तो यह करने योग्य नहीं है रिसर्च प्लान डिजाइन करने के लिए हमें डेटा सोर्सेज रिसर्च अप्रोचेज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स सैम्पलिंग प्लान और कॉन्टैक्ट मेथड्स के बारे में डिसीजंस करने की आवश्यकता है सोर्सेस रिसर्चर सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा या दोनों गैदर कर सकता है सेकेंडरी डेटा ऐसे डेटा हैं जो किसी अन्य पर्पस के लिए कलेक्ट किए गए थे और पहले से ही कहीं मौजूद हैं प्राइमरी डेटा स्पेसिफिक पर्पस या प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से गैदर किए गए डेटा हैं रिसर्चर्स आमतौर पर कुछ रेडिली अवेलेबल और लो कॉस्ट सेकेंडरी डेटा की रिच वैरायटी की जांच करके अपनी जांच शुरू करते हैं यह देखने के लिए कि क्या वे कॉस्टली प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए बिना आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उदाहरण के लिए ऑटो एडवर्टाइजर्स जो अपने ऑनलाइन कार एड्स पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं वे जे डी पावर एंड एसोसिएट्स सर्वे की एक कॉपी खरीद सकते हैं जो इनसाइट्स प्रदान करता है कि कौन स्पेसिफिक ब्रद्स खरीदता है और एडवर्टाइजर्स उन्हें ऑनलाइन कहाँ भून सकते हैं जब आवश्यक डेटा मौजूद नहीं होता है या पुराना या अनरिलायबल होता है तो रिसर्चर को प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता होगी अधिकांश मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कुछ प्राइमरी डेटा कलेक्शन शामिल होता है रिसर्च अप्रोचेस मार्केटर्स प्राइमरी डेटा पांच मुख्य तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन फोकस ग्रुप्स सर्वेस बिहेवियरल डेटा और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ऑब्जर्वेशनल रिसर्च रिसर्चर्स बिना किसी हस्तक्षेप के ऑब्जर्व करके जैसे कस्टमर्स शॉप करते हैं या प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं ताज़ा डेटा गैदर कर सकते हैं कभी कभी वे कंज्यूमर्स को पेजेस से लैस करते हैं और उन्हें जो भी वे कर रहे हैं उसे लिखने या टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए निर्देश देते हैं या वे एक कैफे या बा में इनफॉर्मल इंटरव्यू सेशंस आयोजित करते हैं अठारह फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का भरपूर सोर्स हो सकते हैं हालांकि प्राइवेसी कंसर्न्स व्यक्त किए गए हैं कुछ रिटेलर्स सिक्योरिटी कैमरास को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ रहे हैं ताकि स्टोर्स में शॉपर बिहेवियर रिकॉर्ड किया जा सके अपने 1000 रिटेल स्टोर्स में टी मोबाइल ट्रैक कर सकता है कि लोग कैसे घूमते हैं वे डिस्प्लेस के सामने कितनी देर खड़े रहते हैं और वे कौन से फोन्स उठाते हैं और कितनी देर के लिए एथनोग्राफिक रिसर्च एथनोग्राफिक रिसर्च कॉन्सेप्ट और टूल्स का उपयोग एंथ्रोपोलॉजी और अन्य सोशल साइंस विषयों से करता है ताकि लोगों के जीने और काम करने के तरीके की गहरी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रदान की जा सके बीस इसका गोल है रिसर्चों को कंज्यूमर्स के जीवन में डुबोना ताकि अनआर्टिकुलेटेड डिजायर्स को उजागर किया जा सके जो शायद रिसर्च के किसी अन्य रूप में सामने न आए इक्कीस लेबोरेटरीज हर्मन मिल्ला स्टील केस और जेरोक्स ने ब्रेकथ्रू प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए एथनोग्राफिक रिसर्च को अपनाया है टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट और ह्यूलेट पैका्ड सिस्टम्स इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवेलपर्स के साथ काम करने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और एथनोलॉजिस्ट का उपयोग करते हैं बाईस किसी भी प्रकार की फर्म को एथनोग्राफिक रिसर्च के डीप कंज्यूमर इंसाइट से लाभ हो सकता है अपने ओवल रिडम्बैच पॉपकॉर्न की घटती हुई सेल्स को बढ़ावा देने के लिए कोनाग्रा ने फैमिलीज को घर पर ऑब्जर्व करने और विभिन्न स्नैक्स के बारे में वे कैसा महसूस करते हैं कि वीकली डायरीज का अध्ययन करने में नौ महीने बिताए रिसर्चर्स ने एक महत्वपूर्ण इंसाइट पाई पॉपकॉर्न का एसेंस यह था कि यह इंटरैक्शन को फैसिलिटेट करने वाला था इसके बाद चार नेशन वाइड टीवी एड्स आए जिनका टैगलाइन था स्पेंडिंग टाइम टुगेदर दैट्स द पावर ऑफ ऑविल रिडन बैचर तेईस एथनोग्राफिक रिसर्च कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है यूके बेस्ड स्मिथ नेफ्यू एक ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी बिजनेस ने वून्स के फिजिकल और इमोशनल बुरे प्रभाव को समझने के लिए पेशेंट्स और क्लिनिशियंस के साथ एक्सटेंसिव इंटरनेशनल एथनोग्राफिक रिसर्च का उपयोग किया इस प्रोसेस में एलेवेल लाइफ नामक नया वाउन मैनेजमेंट ड्रेसिंग डेवलप किया ट्वेंटी बिजनेस टू बिजनेस सेटिंग में एंड यूजर्स पर अधिक ध्यान देने से थॉमसन रॉयटर्स को बड़ी फाइनेंशियल हाइट्स हासिल करने में मदद मिली ट्वेंटी फाइव थॉम्सन रॉयटर्स रॉयटर्स का अधिग्रहण करने से ठीक पहले ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विसेज जायंट थॉम्सन कॉरपोरेशन ने अपने अल्टीमेट कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च शुरू किया थॉम्सन ने फाइनेंशियल लीगल टैक्स एंड अकाउंटिंग साइंटिफिक और हेल्थ केयर सेक्टर्स में बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स को बेचा और यह जानना चाहता था कि कैसे इंडिविजुअल ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने क्लाइंट्स के लिए डे टू डे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इसके डेटा रिसर्च और अन्य रिसोर्सेज का उपयोग किया थॉमसन बनाम कॉम्पेटिटर्स को जिस तरह से देखते थे उसका अध्ययन करके मार्केट को इसके एंड यूजर्स के द्वारा न कि इसके कॉर्पोरेट परचेसर्स के द्वारा सेगमेंट करने से फर्म को ऐसे मार्केट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिली जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते थे थॉमसन ने फिर सर्वेस किए और एंड यूजर्स अपना काम कैसे करते हैं इस पर डे इन द लाइफ एथनोग्राफिक रिसर्च की रिसर्चर्स ने थ्री मिनट्स नामक एक अप्रोच का उपयोग करते हुए ऑब्जर्वेशन को डिटेल्ड इंटरव्यूज के साथ जोड़ा ताकि यह समझा जा सके कि एन यूसर्स थॉम्पसन के प्रोडक्ट्स में से किसी एक का उपयोग करने से तीन मिनट पहले और बाद में क्या कर रहे थे रिसर्च के इंसाइट्स ने कंपनी को नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने और एक्विजिशंस करने में मदद की जिससे अगले वर्ष में बहुत अधिक रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हुए फोकस ग्रुप रिसर्च फोकस ग्रुप छह से दस लोगों का एक समूह होता है जिसे डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक या अन्य कंसिडरेशन्स के आधार पर सावधानी से सिलेक्ट किया जाता है और कम पेमेंट के बदले में विभिन्न टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है प्रोफेशनल मोडरेटर मार्केटिंग मैनेजर्स के एजेंडा के आधार पर क्वेश्चन पूछता है और प्रोब्स करता है इसका गोल है कंज्यूमर्स के रियल मोटिवेशंस और वे कुछ चीजें क्यों कहते हैं और करते हैं इसके कारणों को उजागर करना सेशंस को टिपिकली रिकॉर्ड किया जाता है और मार्केटिंग मैनेजर्स अक्सर टू वे मिरर्स के पीछे से ऑब्जर्व करते हैं अधिक इनडेप्थ डिस्कशन की अनुमति देने के लिए फोकस ग्रुप्स का आकार छोटा होने की ओर रुझान है 26. फोकस ग्रुप रिसर्च एक उपयोगी एक्सप्लोरेटरी स्टेप है लेकिन रिसर्चर्स को पूरे मार्केट में इसे जनरलाइजिंग करने से बचना चाहिए क्योंकि सैंपल बहुत छोटा होता है और इसे रैंडमली नहीं लिया जाता है कुछ मार्केटर्स को लगता है कि यह रिसर्च सेटिंग बहुत कॉन्ट्राइव्ड है और कम आर्टिफिशियल मीन्स पसंद करते हैं मार्केटिंग मेमो कंडक्टिंग इन्फॉर्मेटिव फोकस ग्रुप्स के पास फोकस ग्रुप की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं अमेरिकन एयरलाइंस रिसर्च में मॉडरेटर एक ब्रॉड क्वेश्चन के साथ शुरू कर सकता है जैसे आप फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल के बारे में कैसा महसूस करते हैं फिर क्वेश्चंस इस ओर जाते हैं कि लोग डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट एग्जिस्टिंग सर्विसेज डिफरेंट प्रोपोज सर्विसेज और स्पेसिफिकली अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस को कैसे देखते हैं कंडक्टिंग इन्फॉर्मेटिव फोकस ग्रुप्स फोकस ग्रुप्स मार्केटर्स को उन इश्यूज पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं जिन्हें सर्वेस द्वारा आसानी से एड्रेस नहीं किया जा सकता है उन्हें सक्सेसफुली उपयोग करने की की थॉटफुली सुनना और केयरफुली ऑब्जर्व करना है अजम्पन्स और ब्यासेस को पीछे छोड़कर हालांकि यूजफुल इंसाइट्स सामने आ सकती हैं लेकिन फोकस ग्रुप्स की वैलिडिटी के बारे में भी क्वेश्चंस उठते हैं कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कंज्यूमर्स पर एड्स की इतनी बौछार होती है कि वे अनजाने में या शायद सिनिकली जो उन्होंने सुना है वही पैरेट बैक करते हैं बजाय कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं यह हमेशा पॉसिबल है कि पार्टिसिपेंट्स अपनी सेल्फ इमेज और पब्लिक पर्सोना को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों ग्रुप थिंक में संलग्न हों या अन्य मेंबर्स के साथ आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता को सेटिस्फाई कर रहे हों वे अपने बिहेवियर पैटर्न्स और मोटिवेशंस को एक्नॉलेज करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं या उन्हें पहचान भी नहीं पाते और एक हाईली ओपिनियनेटेड पर्सन बाकी ग्रुप को सप्रेस कर सकता है सही पार्टिसिपेंट्स को प्राप्त करना क्रूशल है लेकिन ग्रुप्स महंगे भी हो सकते हैं तीन हजार डॉलर से पांच हज़ार डॉलर प्रति ग्रुप मल्टीपल फोकस ग्रुप्स के बावजूद भी रिजल्ट्स को जनरलाइज करना मुश्किल हो सकता है उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर फाइंडिंग्स अक्सर रीजन से रीजन में भिन्न होती हैं फोकस ग्रुप रिसर्च में ज्ञता रखने वाली एक फर्म ने दावा किया कि मिन्यापलिस फेयरली वेल एडुकेटेड पीपल का सैंपल प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा शहर था जो ऑनेस्ट और फोर्थकमिंग थे कई मार्केटर्स न्यूयॉर्क और अन्य नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज में फोकस ग्रुप्स की व्याख्या केयरफुली करते हैं क्योंकि वहां के लोग हाईली क्रिटिकल होते हैं और जनरली रिपोर्ट नहीं करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पसंद है पार्टिसिपेंट्स को रिलैक्स्ड फील करना चाहिए और ट्रूथफुल होने के लिए स्ट्रांगली मोटिवेटेड होना चाहिए फिजिकल सराउंडिंग्स क्रूशल हो सकते हैं एक एजेंसी में एक एग्जीक्यूटिव ने नोट किया हमें आश्चर्य था कि लोग हमेशा ग्रंपी और नेगेटिव क्यों लगते थे लोग हमारे द्वारा दिखाए गए किसी भी आइडिया के रेजिस्टेंट थे अंत में एक सेशन में पार्टिसिपेंट्स के बीच फाइट हो गई समस्या रूम ही था क्रैम्प्ड, स्टाइफ्लिंग फोबिडिंग यह हॉस्पिटल रूम और पुलिस इंटरगेशन रूम के बीच का क्रॉस था समस्या को ठीक करने के लिए एजेंसी ने रूम को मेकओवर दिया अन्य फर्म्स रूम को टॉपिक के लिए फिट करने के लिए अडेप्ट करती हैं जैसे कि बच्चों से बात करते समय इसे प्ले रूम की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन करना फोकस ग्रुप मेंबर्स के बीच इंटरएक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्चर्स डायरीज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जैसे प्रिसेशन होमवर्क असाइन करते हैं ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की कॉस्ट इम्पर्सन फोकस ग्रुप की एक चौथाई से भी कम हो सकती है वे लेस इंक्लूसिव भी हैं ज्योग्राफिकली डायवर्स सब्जेक्ट्स को पार्टिसिपेट करने की अनुमति देते हैं और तेज रिजल्ट्स देते हैं ट्रेडिशनल ग्रुप्स के प्रोपोनेंट्स का कहना है कि इनपर्सन सेशंस मार्केटर्स को रिसर्च प्रोसेस में डुबोते हैं लोगों की इमोशनल और फिजिकल रिएक्शंस पर क्लोज अप लुक देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सेंसिटिव मटीरियल्स लीक न हों इनपर्सन मार्केटर्स फ्लो ऑफ डिस्कशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अधिक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में गहराई से जा सकते हैं यह चाहे किसी भी फॉर्म को ले फोकस ग्रुप अभी भी है जैसा कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने नोट किया आइडिया पर रैपिड टाइम में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव क्विकेस्ट डर्टियस्ट तरीका वॉटन के अमेरिकस रीड ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा होगा फोकस ग्रुप चेन सौ की तरह है यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह बहुत यूजफुल और इफेक्टिव है यदि आप नहीं करते हैं तो आप एक लिम खो सकते हैं सर्वे रिसर्च कंपनी सर्वे करते हैं लोगों के नॉलेज बिलीफ्स प्रेफरेंसेस और सेटिस्फैक्शन का असिस करने के लिए तथा जनरल पॉपुलेशन में इन मैग्नेटूड्स को मेजर करने के लिए अमेरिकन एयरलाइंस जैसी कंपनी अपना सर्वे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकती है या यह एक कॉम्निबस सर्वे में क्वेश्चंस जोड़ सकती है जो बहुत कम कॉस्ट पर कई कंपनीज के क्वेश्चन कैरी करता है यह अपने या किसी अन्य कंपनी द्वारा रन ऑनगोइंग कंज्यूमर पैनल को क्वेश्चन पोज कर सकती है यह शॉपिंग मॉल में रिसर्चर्स द्वारा लोगों से अप्रोच करके और उनसे क्वेश्चन पूछकर मॉल इंटरसेप्ट स्टडी कर सकती है या यह अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल्स के अंत में सर्वे रिक्वेस्ट ऐड कर सकती है हालांकि वे अपने सर्वेस को कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन फोन पर या इन पर्सन कंपनीज को यह फील करना चाहिए कि डेटा के माउंट से उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वह वर्थवाइल है सैन फ्रांसिस्को स्थित वेल्स फागो बैंक अपने बैंक ब्रांचेस के माध्यम से हर महीने पचास हजार से अधिक कस्टमर सर्विस कलेक्ट करता है इसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सुधार के लिए डिजाइन किए गए मोस्ट स्ट्रिंजेंट न्यू वे टाइम स्टैंडर्ड्स को शुरू करने के लिए कस्टमर्स के कमेंट्स का उपयोग किया है बेशक कंपनीज सर्वे बर्नआउट पैदा करने और रिस्पॉन्स रेट्स में गिरावट देखने का जोखिम उठा सकती हैं सर्वे को शॉर्ट और सिंपल रखना पार्टिसिपेंट्स को आकर्षित करने की एक की है इंसेंटिव्स ऑफर करना एक और है वॉलमार्ट राइट एड पेटको और स्टैपल्स प्राइज जीतने के चांस के साथ कैश रजिस्टर रिसीप्ट पर सर्वे फिल आउट करने का इन्विटेशन इंक्लूड करते हैं 27. सेवन बिहेवियर रिसर्च कस्टमर्स स्टोर स्कैनिंग डेटा कैटलॉग परचेसेस और कस्टमर डाटाबेसिस में अपने परचेसिंग बिहेवियर के ट्रेसिस छोड़ देते हैं मार्केटर्स इन डेटा का एनालिसिस करके बहुत कुछ सीख सकते हैं एक्चुअल परचेसिस कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और अक्सर उन स्टेटमेंट्स से अधिक रिलायबल होते हैं जो वे मार्केट रिसर्चर्स को ऑफर करते हैं उदाहरण के लिए ग्रोसरी शॉपिंग डेटा से पता चलता है कि हाई इनकम लोग आवश्यक रूप से अधिक एक्सपेंसिव ब्रत नहीं खरीदते हैं जो कि वे इंटरव्यूज में बता सकते हैं और कई लो इनकम लोग कुछ एक्सपेंसिव ब्रज खरीदते हैं जैसा कि चैप्टर तीन में बताया गया है कंज्यूमर्स से एकत्र करने के लिए ऑनलाइन डेटा की भरमार है जाहिर है अमेरिकन एयरलाइंस टिकट परचेज रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन बिहेवियर का विश्लेषण करके अपने पैसेंजर्स के बारे में कई यूजफुल चीजें सीख सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे साइंटिफिकली वैलिड रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया जाता है इसके लिए फाइंडिंग्स के कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस को एलिमिनेट किया जाता है यदि एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से डिजाइन और एक्सीक्यूट किया गया है तो रिसर्च और मार्केटिंग मैनेजर्स कंक्लूजन्स पर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैच्ड ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने उन्हें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने और यह चेक करने की आवश्यकता होती है कि क्या ऑब्जर्व्ड रिस्पांस डिफरेंसेस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं यदि हम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को एलिमिनेट या कंट्रोल कर सकते हैं तो हम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स को ट्रीटमेंट्स या स्टिम्यूलाय में वेरिएशन से संबंधित कर सकते हैं अमेरिकन एयरलाइंस अपनी शिकागो से टोक्यो की रेगुलर फ्लाइट्स में से एक पर अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस इंट्रोड्यूस कर सकता है और एक वीक 25 डॉलर और अगले वीक 15 डॉलर चार्ज कर सकता है यदि प्लेन ने प्रत्येक वीक अप्रॉक्सिमेटली सैम नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को कैरी किया है और पर्टिकुलर वीक से कोई डिफरेंस नहीं पड़ा है तो एयरलाइन सेवा का उपयोग करने वाले पैसेंजर्स की संख्या में किसी भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चार्ज प्राइस से रिलेट कर सकता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स मार्केटिंग रिसर्चर्स के पास प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तीन मेन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स में से चुनने का ऑप्शन होता है क्वेश्चनेर्स क्वालिटेटिव मेजर्स और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस क्वेश्चनर्स क्वेश्चनअर रिस्पांडेंस को प्रेजेंटेड किए गए क्वेश्चन का एक सेट होता है अपने फ्लेक्सीबिलिटी के कारण यह प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है क्वेस्स का फॉर्म वर्डिंग और सीक्वेंस रिस्पॉन्सेज को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए टेस्टिंग और डीबगिंग आवश्यक है क्लोज इन क्वेश्चन सभी पॉसिबल एंसर्स स्पेसिफाई करते हैं और रिस्पॉन्सेज को इंटरप्रेट और टैब्यूलेट करना आसान होता है ओपन एंड क्वेश्चन रिस्पॉन्डेंस को अपने शब्दों में अंश देने की अनुमति देते हैं वे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जहां रिसर्चर इनसाइट की तलाश में रहता है कि लोग कैसे सोचते हैं बजाय कि कितने लोग एक सर्टन तरीके से सोचते हैं इसे मेजर करने के टेबल चार दशमलव एक दोनों प्रकार के क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स प्रदान करता है मार्केटिंग मेमो क्वेश्चने डॉस एंड डोन्स भी देखें मार्किरिंग क्वेश्चनर डोन्ट्स एक एंड शो दैट क्वेश्चन ऑफ विदाउट बायस डॉट रिस्पोंडेंट को किसी आंसर तक न ले जाए लीड दो मेक द क्वेश्चन एज सिम्पल एज पॉसिबल डॉट जिन क्वेश्चन में मल्टीपल आइडियाज या एक में दो क्वेस्चन्स शामिल हों वे रिस्पॉन्डेंट्स को कन्फ्यूज कर देंगे तीन मेक द क्वेश्चन स्पेसिफिक डॉट कई बार मेमोरी क्यूज ऐड करने की सलाह दी जाती है उदाहरण के लिए टाइम पीरियड्स के साथ स्पेसिफिक रहें चार अवॉइड और शॉर्ट हैंड डॉट ट्रेड एक्रोनिम्स और इनिशल्स जिनका रेग्युलर यूज नहीं होता है उन्हें अवॉयड करें पांच स्टियर क्लियर ऑफ सोफिस्टिकेटेड और अनकॉमन वर्ड्स डॉट केवल कॉमन स्पीच में उपयोग किए जाने वाले वर्ड्स का उपयोग करें छह अवॉयड एम्बिग्यूस वर्ड्स डॉट वर्ड्स जैसे यूजली या फ्रिक्वेंटली का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है साथ अवॉयड क्वेश्चन विद ए नेगेटिव इन दम डॉट यह कहना बेहतर है क्या आप कभी इसके बजाय क्या आप कभी नहीं आठ अवॉइड हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डॉट काल्पनिक सिचुएशंस के बारे में क्वेश्चंस का आंसर देना कठिन होता है आंसर्स एसेंशियली रिलायबल नहीं होते हैं नो डू नॉट यूज वर्ड्स दैट कुड बी मिसहर्ड डॉट यह विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है जब इंटरव्यू को टेलीफोन पर एडमिनिस्टर किया जा रहा हो सेक्स के बारे में आपकी क्या राय है इंटरेस्टिंग आंसर्स दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि रेलिवेंट हों दस डिसेंसिटाइज़ क्वेश्चन बाय यूजिंग रिस्पांस बैंड डॉट लोगों से उनकी एज पूछने के लिए या कंपनीज से एम्प्लॉयी टर्न ओवर रेट्स के बारे में पूछने के लिए प्रिसाइज नंबर्स के बजाय रिस्पॉन्स बैंड्स की एक रेंज ऑफर करें ग्यारह एन्ज शो दैट फिक्सड रिस्पांस डू नॉट ओवरलैप डॉट फिक्सड रिस्पांस क्वेश्चन में उपयोग की जाने वाली कैटेगरीज अलग होनी चाहिए और ओवरलैप नहीं होनी चाहिए बारह अलाव फॉर दी आंसर आदर इन फिक्स्ड रिस्पांस क्वेश्चन डॉट प्रकॉर्डेड एंसर्स में हमेशा लिस्टेड के अलावा अन्य रिस्पॉन्स के लिए भी स्पेस होनी चाहिए क्वाटेटिव मेजर्स कुछ मार्केटर्स कंज्यूमर ओपिनियन मेजर करने के लिए क्वालिटेटिव मैथड्स प्रीफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंज्यूमर्स के एक्शन सर्वे क्वेश्चन के उनके एंसर्स से हमेशा मैच नहीं करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स रिलेटिवली इनडायरेक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड मेजरमेंट अप्रोचेस होते हैं जो केवल मार्केटिंग रिसर्चर की क्रिएटिविटी से लिमिटेड होते हैं और रिस्पॉन्सेज की एक रेंज परमिट करते हैं वे कंज्यूमर्स के परसेप्शंस एक्सप्लोर करने में एक विशेष रूप से उपयोगी फर्स्ट स्टेप हो सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्डेंस कम गार्डेड हो सकते हैं और इस प्रोसेस में अपने बारे में अधिक रिवील कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में अपनी कमियां हैं सैम्पल्स अक्सर बहुत छोटे होते हैं और रिजल्ट्स ब्रॉडर पॉपुलेशंस के लिए जनरलाइज नहीं हो सकते हैं और अलग अलग रिसर्चर्स एक ही क्वालिटेटिव रिजल्ट्स की स्टडी करके बहुत अलग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं फिर भी क्वालिटेटिव मेथड्स का उपयोग करने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है मार्केटिंग इनसाइट गेटिंग इन टू द हेड्स ऑफ कंस्यूमर्स फाइनियरिंग जीएमईटी अप्रोच को डिस्क्राइब्स करता है अन्य पॉप्युलर मेथड्स में शामिल हैं वर्ड एसोसिएशन्स ब्रांड एसोसिएशन्स की रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्ट से पूछें कि जब वे ब्रांड का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में कौन से वर्ड्स आते हैं टाइमेक्स नाम आपके लिए क्या मायने रखता है मुझे बताएं कि जब आप टाइमैक्स वॉचेस के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक लोगों को इनकम्प्लीट या एम्बिग्यूस स्टिम्यूल्स दें और उनसे इसे कम्प्लीट करने या एक्सप्लेन करने के लिए कहें बबल एक्सरसाइजेस में एम्प्टी बबल्स जैसे कार्टून्स में होते हैं उन सीन्स में दिखाई देते हैं जहां लोग खास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं या यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स बबल फिलिंग करते हैं यह दर्शाते हुए कि उन्हें क्या हो रहा है या क्या कहा जा रहा है कंपैरिजन टास्क में लोग ब्रद्स की कंपेयर करते हैं लोगों देशों एनिमल्स एक्टिविटीज कार्स नेशनैलिटीज या अन्य ब्रज्स से भी विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन के लिए लोगों को अपने परसेप्शंस को डिपिक्ट करने के लिए मैगजीन फोटोज या ड्राॅइंग्स से कॉलाज बनाने की आवश्यकता होती है ब्रांड पर्सोनाफिकेशन पूछें यदि ब्रांड एक पर्सन के रूप में जीवित हो जाता तो वह कैसा होगा वह क्या करेगा कहाँ रहेगा क्या पहनेगा पार्टी में जाने पर किससे बात करेगा और किस बारे में बात करेगा उदाहरण के लिए जॉन डीरे ब्रांड किसी को रगेड मिडवेस्टर्न मेल के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है जो हार्डवर्किंग और ट्रस्टवधि है क्लैरिंग इंक्रीजिंगली स्पेसिफिक वाई क्वेश्चंस कंज्यूमर मोटिवेशन और डीपर गोल्स रिवील कर सकते हैं पूछें कि कोई नोकिया सेल फोन क्यों खरीदना चाहता है वे वेल well बिल्ट दिखते हैं एट्रीब्यूट यह इम्पोर्टेंट क्यों है कि फोन वेल बिल्ट हो यह बताता है कि नोकिया रिलायबल है फंक्शनल बेनिफिट रिलायबिलिटी इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि मेरे कोलीग्स या फैमिली मुझे रीच कर सकते हैं इमोशनल बेनिफिट आपको हर समय उनके लिए अवेलेबल क्यों होना चाहिए मैं उनकी मदद कर सकता हूं अगर वे मुसीबत में हैं कोर वैल्यू ब्रांड इस पर्सन को गुड जैसा फील कराता है जो दूसरों की मदद के लिए तैयार है केयरिंग इन टू द हेड्स ऑफ कंस्यूमर्स बिजनेस स्कूल के पूर्व मार्केटिंग प्रोफेसर जेरल जोल्टमैन ने कोलिग्स के साथ यह अनकवर करने के लिए एक इनडेप्थ मेथडोलॉजी डेवलप की कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज ब्रदसा और अन्य चीजों के बारे में क्या सोचते और फील करते हैं जोल्टमैन मेटोफो एलिसिटेशन टेक्नीक जेरेमीटी के पीछे बेसिक अजम्पन यह है कि अधिकांश विचार और फीलिंग अनकॉन्शियस होते हैं और यूनिवर्सल डीप मेटोफोस के एक सेट द्वारा शेप किए जाते हैं जो वर्ल्ड के बेसिक ओरिएंटेशंस हैं जो कंज्यूमर्स द्वारा सोची सुनी कही या की जाने वाली हर चीज को शेप करते हैं जोल्वमेंट के अनुसार सात मेन मेटाफोस हैं बैलेंस जस्टिस इक्विलिब्रियम और एलिमेंट्स की इंटरप्ले ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस और सरकमस्टांस में चेंजेस जर्नी पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर की मीटिंग, कंटेनर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन और अन्य बाउंड्रीज कनेक्शन वनसेल्फ और दूसरों से रिलेट करने की आवश्यकता रिसोर्स एक्विजिशंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेज और कंट्रोल कंट्रॉ मैस्टरे वनरबिलडे वींग की सेंस जेरेमीटी टेक्निक इस तरह काम करती है कि पहले पार्टिसिपेंट्स को पहले से कह दिया जाता है कि वे रिसर्च टॉपिक के बारे में अपने विचारों और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने सोर्सेज मैगजीन्स कैटलॉग्स फैमिली फोटो एल्बम्स से न्यूनतम बारह इमेजेस सिलेक्ट करें वन ऑन वन इंटरव्यू में स्टडी एडमिनिस्ट्रेटर एडवांस्ड इंटरव्यू टेक्निक्स का उपयोग करता है ताकि पार्टिसिपेंट के साथ इमेजेस को एक्सप्लोर किया जा सके और हिडन मीनिंग्स रिवील की जा सके अंत में पार्टिसिपेंट्स इन इमेजेस के साथ कॉलॉज क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं जो टॉपिक के बारे में उनके सबकॉन्शियस थॉट और फीलिंग्स को कम्युनिकेट करता है रिजल्ट्स अक्सर मार्केटिंग एक्शंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं जैसा कि निम्नलिखित दो एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट करते हैं ड्यूपॉन्ट मार्केटर्स के लिए पैंटीहोस के बारे में एक जेरेमीटी स्टडी में कुछ रिस्पोंडेंट्स के पिक्चर्स ने प्लास्टिक रैप में एंकेस्ड फेंस पोस्ट्स या ट्रीज को स्ट्रैंगल करते स्टील बैंड्स दिखाए यह सजेस्ट करते हुए कि पैंटीहोस टाइट और इनकन्वीनियंट हैं लेकिन अनादर पिक्चर ने वास में लंबे फ़्लावर्स दिखाए यह सजेस्ट करते हुए कि प्रोडक्ट एक वुमन को थिन टॉल और सेक्सी फील कराता है इन और अन्य पिक्चर्स में लव हेट रिलेशनशिप ने ड्यूपॉन्ट मार्केटर्स के अज्यूम किए गए प्रोडक्ट रिलेशनशिप से अधिक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट रिलेशनशिप सजेस्ट किया हालांकि कई ओल्डर कंज्यूमर्स ने देनिश हियरिंग एड कंपनी ओटिकॉन को बताया कि कॉस्ट वह वजह थी जिससे वे परचेज पोस्टपोन कर रहे थे एक सेरेमिटी एनालिसिस ने यह रिवील किया कि बड़ी प्रॉब्लम ओल्ड या फ्लॉड के रूप में देखे जाने का डर था ओटिकोन ने स्टाइलिश न्यू हियरिंग एड्स की डेल्टा नामक लाइन क्रिएट करके रिस्पॉन्ड किया जो फ्लैशी कलर्स जैसे सनसेट ऑरेंज रेसिंग ग्रीन या कैबिनेट रेड टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मार्केटर्स को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स के बीच चूज करने की आवश्यकता नहीं है कई दोनों का उपयोग करते हैं यह मानते हुए कि उनके प्रोस और कॉन्स एक दूसरे को ऑफसेट कर सकते हैं उदाहरण के लिए कंपनीज किसी ऑनलाइन पैनल से किसी को रिक्रूट कर सकती हैं ताकि वह इन होम प्रोडक्ट यूज टेस्ट में पार्ट ले सके इसके लिए उसके रिएक्शंस और इंटेंशंस को वीडियो डायरी और ऑनलाइन सर्वे के साथ कैप्चर किया जा सकता है गैलवेनोमीटर्स किसी स्पेसिफिक एड या पिक्चर के एक्सपोजर से पैदा हुई इंटरेस्ट या इमोशंस को मेजर कर सकते हैं टेकिस्टोस्कोप एक सब्जेक्ट को एड फ्लैश करता है एक्सपोजर इंटरवल के साथ जो वन ऑफ अ सेकंड से लेकर कई सेकंड तक हो सकता है प्रत्येक एक्सपोजर के बाद रिस्पॉन्डेंट वह सब कुछ डिस्क्राइब करता है जो उसे याद है विजुअल टेक्नोलॉजी टेक्निक्स में कई एडवांसमेंट्स आइज और फेस स्टडी करने वाली ने मार्केटिंग रिसर्चर्स और मैनेजर्स दोनों को लाभ पहुंचाया है टेक्नोलॉजी अब मार्केटर्स को कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस प्राप्त करने के लिए स्किन सेंसर्स ब्रेन वेव स्कैनर्स और फुलबॉडी स्कैनर्स का उपयोग करने देती है इकतीस उदाहरण के लिए बायोमेट्रिक ट्रैकिंग रिस्ट सेंसर्स इलेक्ट्रोडमल एक्टिविटी या स्किन कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं ताकि चेंजेस नोट की जा सकें स्वेट लेवल्स बॉडी टेम्परेचर और मूवमेंट में इत्यादि बत्तीस मार्केटिंग इनसाइट अंडरस्टैंडिंग ब्रेन साइंस ब्रेन स्टडी करने वाले कुछ नए मार्केटिंग रिसर्च फ्रंटियर्स पर एक झलक प्रदान करता है थर्टी थ्री टेक्नोलॉजी ने उन डायरीज को रिप्लेस कर दिया है जिन्हें मीडिया सर्विस में पार्टिसिपेंट्स कीप करते थे पार्टिसिपेटिंग होम्स में टेलीविजन सेट से अटैच्ड ऑडियोमीटर्स अब रिकॉर्ड करते हैं कि सेट कब ऑन है और किस चैनल पर ट्यून्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिन के दौरान एक पर्सन कितने रेडियो प्रोग्राम्स के एक्सपोज होता है इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक पर्सन एक दिन में कितने बिलबोर्ड्स के पास से वॉक करता है या ड्राइव करता है स्टरिंग दी आइज इन फेस आइज और कंज़्यूमर के फेसेस स्टडी करने के लिए कई इंक्रीजिंगली कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स हाल ही के वर्षों में डेवलप किए गए हैं डायवर्स एप्लीकेशंस के साथ पैकेज्ड गुड्स कंपनीज जैसे पीजी जी एंड किम्बली क्लार्क स्टोर लेआउट्स के साथ प्रोडक्ट और पैकेजिंग डिजाइन्स के तीन डी कम्प्यूटर सिमुलेशन्स कॉम्बाइन करते हैं और आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देखते हैं कि कंज्यूमर की आइज पहले कहाँ लैंड करती हैं वे किसी गिवन आइटम पर कितनी देर तक लिंग करती हैं आदि ऐसे टेस्ट करने के बाद यूनिलेवर ने अपने एक्स बॉडी वॉश कंटेनर का शेप लोगों का लुक और इन स्टोर डिस्प्ले बदल दिया सेउल कोरिया के इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर मॉल में कैमराज और मोशन डिटेक्टर एलसीडी टच स्क्रीन्स के ऊपर प्रत्येक 26 इंफॉर्मेशन कायोस्क पर रखे गए हैं फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूजर्स का एज और जेंडर एस्टिमेट करता है और फिर अप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक को टारगेट करने वाले इंटरेक्टिव एड्स अप्य होते हैं न्यूयॉर्क लॉस एंजेलिस एंड सैन फ्रांसिस्को में डिजिटल साइडवॉक बिलबोर्ड्स के लिए इसी तरह के एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के पार्टिसिपेटिंग लॉयल यूएस कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए ऑप्टिन स्मार्टफोन अपडेट्स के माध्यम से फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज और सॉफ्टवेयर टेस्ट किए जा रहे हैं एक कमर्शियल एप्लीकेशन में सीन टैप फेशियल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ कैमराज का उपयोग बा कितना फुल है इसके बारे में जानकारी पोस्ट करने के लिए साथ ही क्राउड का एवरेज एज और जेंडर प्रोफाइल पोस्ट करने के लिए करता है इससे बा हॉपर्स को अपनी अगली डेस्टिनेशन चुनने में मदद मिलती है सैंपलिंग प्लान रिसर्च अप्रोच और इंस्ट्रूमेंट्स चुनने के बाद मार्केटिंग रिसर्चर को एक सैम्पलिंग प्लान डिजाइन करना चाहिए इसके लिए तीन डिसीजंस चाहिए सैंपलिंग यूनिट हुम शुड हुमशुबी सर्वे अमेरिकन एयरलाइंस सर्वे में क्या सैम्पलिंग यूनिट में केवल फर्स्ट क्लास बिजनेस ट्रैवलर्स केवल फर्स्ट क्लास वेकेशन ट्रैवलर्स या दोनों शामिल होने चाहिए क्या इसमें 18 वर्ष से कम आयु के ट्रैवलर्स को शामिल किया जाना चाहिए ट्रैवलर और स्पाउस दोनों सैम्पलिंग यूनिट को चूज करने के बाद मार्केटर्स को आगे एक सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप करना होगा ताकि टारगेट पॉपुलेशन में सभी के पास सैंपल किए जाने का इक्वल या नॉन चांस हो सैंपल साइज हाउ मेनी शुड वी सर्वय लार्ज सैंपल्स अधिक रिलायबल रिजल्ट्स देते हैं लेकिन रिलायबल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए एंटायर टारगेट पॉपुलेशन को सैंपल करना आवश्यक नहीं है एक पॉपुलेशन के एक परसेंट से कम सैंपल्स अक्सर एक क्रेडिबल सैंपलिंग प्रोसीजर के साथ अच्छी रिलायबिलिटी प्रदान कर सकते हैं सैंपलिंग प्रोसीजर हाउ शुड वी चूज द रिस्पॉन्डेंस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मार्केटर्स को सैंपलिंग एरर के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट्स कैलकुलेट करने की अनुमति देता है और सैंपल को अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है इस प्रकार सैंपल चुनने के बाद मार्केटर्स यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरवल फाइव टू सेवन ट्रिप्स पर ईयर में पचानवे चांसेस इन एक सौ ऑफ कंटेनिंग द ट्रू नंबर ऑफ ट्रिप्स टेकन एन्युअली बाय फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स फ्लाइंग बिटवीन शिकागो एंड टोक्यो होता है खानैक्ट मैथड्स अब मार्केटिंग रिसर्चर को यह डिसाइड करना चाहिए कि सब्जेक्ट से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए मेल द्वारा टेलीफोन द्वारा इन पर्सन या ऑनलाइन मेल कॉन्टैक्ट्स मेल क्वेश्चन उन लोगों तक पहुंचने का एक तरीका है जो पर्सनल इंटरव्यूज़ नहीं देते या जिनके रिस्पॉन्सेज इंटरव्यूअर्स द्वारा ब्यास्ट या डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं मेल क्वेश्चनेयर्स को सिंपल और क्लियरली वर्डेड क्वेश्चन की आवश्यकता होती है दुर्भाग्य से रिस्पॉन्सेज आमतौर पर कम या स्लो होते हैं टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स टेलीफोन इंटरव्यूइंग इन्फॉर्मेशन क्विकली गैदर करने का एक अच्छा मेथड है इंटरव्यूअर भी क्वेश्चंस क्लैरिफाई करने में सक्षम है यदि रिस्पॉन्डेंट्स उन्हें नहीं समझते हैं इंटरव्यूज ब्रीफ होने चाहिए और बहुत पर्सनल नहीं होने चाहिए हालांकि रिस्पॉन्स रेट टिपिकली मेल्ड क्वेश्चनियर्स की तुलना में अधिक रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीफोन इंटरव्यूइंग और अधिक कठिन होता जा रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स की टेलीमार्केटर्स के प्रति इंक्रीजिंग एंटीपथी के कारण 2003 के अंत में कांग्रेस ने फेडरल ट्रेड कमीशन को अपनी डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के माध्यम से टेलीमार्केटिंग कॉल्स को रिस्ट्रिक्ट करने की अनुमति देने वाला लेजिस्लेशन पारित किया 2010 के मध्य तक कंज्यूमर्स ने 200 मिलियन से अधिक फोन नंबर्स रजिस्टर किए थे मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स रूलिंग से हैं, लेकिन टेलीमार्केटिंग के प्रति इंक्रीजिंगली वाइड स्प्रेड निसंदेह निस्संदेह यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीफोन सर्वेस की इफेक्टिवनेस रिड्यूस करता है दुनिया के अन्य हिस्सों में ऐसा रिस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है चूंकि अफ़्रीका में मोबाइल फोन पेनिट्रेशन वर्ष 2000 में 50 लोगों में से केवल एक से बढ़कर 2014 तक लगभग 80% परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हो गया था मार्केटर्स वहां सेल फोन्स का उपयोग रूरल एरियाज़ में फोकस ग्रुप्स कन्वीन करने और टेक्स्ट के माध्यम से इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं 34. पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर्सनल इंटरव्यूइंग सबसे वर्सटाइल मेथड है इंटरव्यूअर अधिक क्वेश्चन पूछ सकता है और रिस्पॉन्डेंट के बारे में एडिशनल ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर सकता है जैसे ड्रेस और बॉडी लैंग्वेज पर्सनल इंटरव्यूइंग सबसे एक्सपेंसिव मेथड भी है इंटरव्यू अबायस के अधीन है और इसमें अधिक प्लानिंग और सुपरविजन की आवश्यकता होती है अरेन्ज्ड इंटरव्यूज में मार्केटर्स रिस्पॉन्डेंट से अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं और अक्सर एक छोटा सा पेमेंट या इंसेंटिव ऑफर करते हैं इंटरसेप्ट इंटरव्यूज में रिसर्चर्स लोगों को शॉपिंग मॉल या व्यस्त स्ट्रीट कॉर्नर पर रोकते हैं और मौके पर ही इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं इंटरसेप्ट इंटरव्यूज क्विक होने चाहिए और इनमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स शामिल होने का रिस्क होता है ऑनलाइन कॉन्टैक्ट इंटरनेट रिसर्च करने के कई तरीके प्रदान करता है एक कंपनी अपने वेबसाइट पर एक क्वेश्चन या एम्बेड कर सकती है और आंसर करने के लिए इंसेंटिव ऑफर कर सकती है या यह फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट पर बैन न लगा सकती है लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स देने और पॉसिबली एक प्राइज जीतने के लिए इनवाइट करती है ऑनलाइन प्रोडक्ट टेस्टिंग ट्रेडिशनल न्यू प्रोडक्ट मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक्स की तुलना में बहुत तेजी से इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सकता है मार्केटर्स रियल टाइम कंज्यूमर पैनल या वर्चुअल फोकस ग्रुप को होस्ट भी कर सकते हैं या चैट रूम बुलेटिन बोर्ड या ब्लॉग स्पॉन्सर कर सकते हैं जहां वे समय समय पर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं वे कस्टमर्स को ब्रेन करने के लिए कह सकते हैं या कंपनी के ट्विटर फॉलोअर्स से आइडिया रेट करवा सकते हैं क्राफ्ट स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के इंसाइट्स ने कंपनी को अपनी पॉपुलर लाइन ऑफ 100 सौ कैलरी स्नैक्स डेवलप करने में मदद की 35. फाइव मॉन्टे ने अपने 400 सौ मेंबर हैंडपिक्ड ऑनलाइन कम्युनिटी का उपयोग किया जिसे आई लव माई डॉग कहा जाता है जब वह डॉग्स के लिए एक नए ब्रेकफास्ट ट्रीट पर विचार कर रहा था कंसेंसज रिक्वेस्ट बेकोनैंडिक टेस्ट और वाइटामिन्स और मिनरल्स की एक्स्ट्रा डोज वाली किसी चीज़ के लिए था प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ काम करते हुए कंपनी ने स्नौसेजेस ब्रेकफ़ास्ट बाइट्स पेश किया जो कि आमतौर पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय के आधे समय में हुआ था 36. ऑनलाइन रिसर्च 2011 में 2.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस था कई नए ऑनलाइन सर्वे प्रोवाइडर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं जैसे कि सवेमंकी सवेगिसमो क्वाल्ट्रिक्स और गूगल कंस्यूमर सर्वेस 1999 में फाउंडेड सर्वेमंकी के 15 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं मेंबर्स ब्लॉग्स वेबसाइट्स फेसबुक या ट्विटर पर क्विकली पोस्ट करने के लिए सर्वेज क्रिएट कर सकते हैं सैंतीस किसी भी सर्वे की तरह हालांकि ऑनलाइन सर्वेस को सही लोगों से सही टॉपिक पर सही क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है इंटरनेट का उपयोग रिसर्च टूल के रूप में करने के अन्य मीन्स में यह ट्रैक करना शामिल है कि कस्टमर्स कंपनी के वेबसाइट पर कैसे क्लिक स्ट्रीम करते हैं और अन्य साइट्स पर कैसे नेविगेट करते हैं मार्केटर्स अलग अलग वेबसाइट्स पर या अलग अलग समय पर अलग अलग प्राइसेस हेडलाइंस और प्रोडक्ट फीचर्स पोस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी रिलेटिव इफेक्टिवनेस कंपेयर की जा सके रिसर्चर्स जैसे ब्लूफिन लैब्स कंपनीज को रियल टाइम ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए सभी रेलेवेंट ट्वीट ट्वीट्स फेसबुक पोस्ट्स और ब्रॉडकास्ट टेलीविजन स्टोरीज को मॉनिटर करते हैं मार्केटिंग इनसाइट अंडरस्टैंडिंग ब्रेन साइंस ट्रेडिशनल कंज्यूमर रिसर्च के अल्टरनेटिव के रूप में कुछ रिसर्चर्स ने न्यूरोसाइंस के सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप करना शुरू कर दिया है जो मार्केटिंग स्टिम्यूलाय के प्रति कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज को बेहतर ढंग से गेज करने के लिए ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं न्यूरोमार्केटिंग शब्द मार्केटिंग स्टिम्यूलाय के प्रभाव पर ब्रेन रिसर्च का डिस्क्राइब करता है फर्म्स फर्म्सईजी इलेक्ट्रोएंसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं ताकि ब्रांड एक्टिविटी को फिजियोलॉजिकल क्यूज जैसे स्किन टेम्परेचर या आई मूवमेंट के साथ कोरिलेट किया जा सके और इस प्रकार गेज किया जा सके कि लोग एड्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं ब्रेन स्टडी करने वाले रिसर्चर्स ने कन्वेंशनल रिसर्च मैथड से अलग रिजल्ट निकाले हैं यूसीईलए में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने यह पता लगाने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एफएमआरआई का यूज किया कि सुपर बॉल एड्स जिसके लिए सब्जेक्ट्स ने हाईएस्ट ब्रेन एक्टिविटी दिखाई थी वह एड्स उनसे डिफरेंट थे जिनके लिए हाईएस्ट स्टेटेड प्रेफरेंसेस थे अन्य रिसर्च में प्रोडक्ट प्लेसमेंट का बहुत कम इफेक्ट पाया गया जब तक कि प्रोडक्ट्स ने स्टोरीलाइन में इंटेग्रेड रोल प्ले न किया हो कई स्टडीज ने सर्वेस की तुलना में ब्रेन वेव रिसर्च और बिहेवियर के साथ हायर कॉरिलेशन्स पाए हैं Ek study me paya gaya ki brain waves ne music purchases ko stated music preferences se behtar predict kiya Neurological consumer research se ek major finding hai ki kai purchase decisions as a largely unconscious habitual process as distinct from the rational conscious information processing model of economists and traditional marketing textbooks characterized hote hain ki basic decisions jaise gasoline ki purchase subrational level per brain activity se influenced lagte इंग्लैंड में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने ईजी का उपयोग 12 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन के लिए मेमोरी रिकॉल और अटेंटिवनेस से रिलेटेड कॉग्नेटिव फंक्शंस मॉनिटर करने के लिए किया जब सब्जेक्ट्स को एडवर्टाइजिंग के एक्सपोज किया गया था डिफरेंट रीजन्स में ब्रेन वेव एक्टिविटी ने डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज इंडिकेट किए उदाहरण के लिए लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉटेक्स में हाइट एक्टिविटी किसी एड के लिए अप्रोच रिस्पॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है और स्टिम्यूलस के प्रति अट्रैक्शन इंडिकेट करती है इसके विपरीत राइट प्रीफ्रंटल कॉटेक्स में ब्रेन एक्टिविटी में स्पाइक स्टिम्यूलस के लिए स्ट्रांग रिवर्शन इंडिकेटिव होती है ब्रेन के एक और हिस्से में मेमोरी फॉर्मेशन एक्टिविटी की डिग्री परचेस इंटेंट के साथ कोरिलेट्स करती है अन्य रिसर्च ने दिखाया है कि लोग अन्य लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स का असिस्ट करते समय ब्रत सका असिस्ट करने की तुलना में ब्रेन के अलग अलग रीजन्स एक्टिवेट करते हैं हालांकि यह कन्वेंशनल टेक्निक से डिफ़रेंट इंसाइट्स ऑफर कर सकता है न्यूरोलॉजिकल रिसर्च अभी भी फेयरली एक्सपेंसिव हो सकता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कई रिसर्चर्स कॉशन करते हैं कि इसे मार्केटिंग डिसीजंस के लिए सोल बेसिस नहीं बनना चाहिए ब्रेन एक्टिविटी कैप्चर करने वाले मेजरमेंट डिवाइसेज भी हाईली ऑब्ट्रूसिव हो सकते हैं स्कल कैप्स का उपयोग करके जिनमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं या आर्टिफिशियल एक्सपोजर कंडीशंस क्रिएट करते हैं दूसरे क्वेश्चन करते हैं कि क्या न्यूरोलॉजिकल रिसर्च वास्तव में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए अनैम्बिग्यूस इंप्लीकेशंस प्रदान करता है ब्रायन नत्सन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर ईईजी के उपयोग की तुलना स्टैंडिंग आउटसाइड अ बेसबॉल स्टेडियम एंड लिसनिंग टू द क्राउड टू फिगर आउट व्हाट हैपन्ड से करते हैं अनेक क्रिटिक्स चिंता करते हैं यदि मेथड सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वे केवल कंपनीज द्वारा अधिक मार्केटिंग मैनिपुलेशन की ओर ले जाएंगे कंट्रोवर्सी के बावजूद मार्केटिंग के प्रति कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्स के बारे में डीपर इंसाइट्स के लिए मार्केटर्स की एंडलेस पर्सुइट वर्चुअली गारंटीज़ न्यूरो मार्केटिंग में कंटिन्यूड इंटरेस्ट रखता है ऑनलाइन रिसर्च एंड खांस हालांकि ऑनलाइन रिसर्च मेथड्स कितने भी पॉपुलर क्यों न हो स्मार्ट कंपनीज उनका यूज मोर ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करने के बजाय ऑगमेंट करने के लिए करती हैं किसी भी मेथड की तरह ऑनलाइन रिसर्च के प्रोस और कॉन्स हैं यहां कुछ एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन रिसर्च इनएक्सपेंसिव है टिपिकल ऑनलाइन सर्वे कन्वेंशनल सर्वे से बीस से पचास लेस कॉस्ट कर सकता है और रिटर्न रेट्स पचास तक हाई हो सकते हैं ऑनलाइन रिसर्च एक्सपेंसिव है एसेंशियली कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है इससे मार्केटर्स वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्डेंट्स पर विचार कर सकते हैं ऑनलाइन रिसर्च फास्ट है सर्वे ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्डेंट्स को एप्लीकेबल क्वेश्चन पर डायरेक्ट कर सकता है डेटा स्टोर कर सकता है और रिजल्ट्स इमीडिएटली ट्रांसमिट कर सकता है रिस्पॉन्स ऑनेस्ट और थाटफुल होने लगते हैं लोग अधिक रिलैक्स्ड और कैंडिड हो सकते हैं जब वे अपने समय पर आंसर दे सकते हैं और बिना जज किए गए प्राइवेट तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विशेष रूप से सेंसिटिव टॉपिक्स पर जैसे आप कितनी बार बेद या शव करते हैं थर्टी नाइन ऑनलाइन रिसर्च वर्सटाइल है वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर विजिटर्स को प्रोडक्ट्स के तीन डी मॉडल्स इंस्पेक्ट करने देता है जैसे कैमरास कार्स और मेडिकल इक्विपमेंट और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिपुलेट करने देता है ऑनलाइन कम्युनिटी ब्लॉग्स कस्टमर पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस में शामिल हैं सैंपल स्मॉल और स्क्यूड हो सकते हैं कुछ 28 परसेंट यूएस हाउस में अभी भी 2014 में ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस नहीं था परसेंटेज इनकम ग्रुप्स में रूरल एरियाज में और एशिया लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अधिकांश हिस्सों में अधिक है जहां सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन लेवल्स भी डिफर करते हैं चालीस हालांकि इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा ऑनलाइन मार्केट रिसर्चर्स को डिजिटल डिवाइड के दूसरी ओर पॉपुलेशन सेगमेंट्स तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव वेज खोजने होंगे ऑनलाइन फाइंडिंग्स के साथ ऑफलाइन सोर्सेज कंबाइन करना और मॉल्स और रिक्रिएशन सेंटर्स जैसे लोकेशंस पर टेम्प्रेरी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना ऑप्शंस हैं कुछ रिसर्च फर्म स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का उपयोग ऑफलाइन कंज्यूमर सेगमेंट्स द्वारा छोड़े गए गैप्स को फिल करने के लिए करती हैं ऑनलाइन पैनल्स और कम्युनिटीज एक्सेसिव टर्नओवर से सफर हो सकते हैं मेंबर्स बोर्ड हो सकते हैं और भाग सकते हैं या इससे भी बदतर रह सकते हैं लेकिन हाफर्टली पार्टिसिपेट करते हैं पैनल और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स रिक्रूटिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं इंसेंटिव्स डाउनप्ले कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट लेवल्स मॉनिटर कर सकते हैं फीचर्स इवेंट्स और एक्टिविटीज का कांस्टेंट फ्लो मेंबर्स को इंटरेस्टेड और एंगेज रख सकता है ऑनलाइन मार्केट रिसर्च टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और इनकन्सिस्टेंसी से सफर हो सकता है चूंकि ब्राउजर सॉफ्टवेयर वेरी करता है डिजाइनर का फाइनल प्रोडक्ट रिसर्च सब्जेक्ट की स्क्रीन पर बहुत अलग दिख सकता है ऑनलाइन रिसर्चर्स ने विभिन्न तरीकों से टेक्स्ट मैसेजिंग का यूज करना भी शुरू कर दिया है किसी रिस्पॉन्डेंट के साथ चैट कॉन्डक्ट करने के लिए ऑनलाइन फोकस ग्रुप के मेंबर के साथ अधिक गहराई से प्रोब करने के लिए या रिस्पॉन्डेंट्स को वेबसाइट पर डायरेक्ट करने के लिए टीनेजर्स को टॉपिक्स पर ओपन अप करने के लिए उन्हें पाने के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग भी एक यूजफुल वे है स्टेप थ्री कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च का डेटा कलेक्शन फेज जनरली सबसे एक्सपेंसिव और एरप्रोन होता है कुछ रिस्पॉन्डेंट्स घर से दूर ऑफलाइन होंगे या अदरवाइज इनएक्सेसिबल होंगे उन्हें फिर से कॉन्टैक्ट करना होगा या उन्हें रिप्लेस करना होगा दूसरे कोऑपरेट करने से इनकार करेंगे या ब्यास्ट या डिसऑनेस्ट आंसर्स देंगे इंटरनेशनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल्स में से एक है कंसिस्टेंसी प्राप्त करने की आवश्यकता इकतालीस लैटिन अमेरिकन रिस्पॉन्डेंट्स इंटरनेट की इम्पर्सनल नेचर से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और सर्वे में इंट्रैक्टिव एलिमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे महसूस करें कि वे रियल पर्सन से बात कर रहे हैं दूसरी ओर एशिया में रिस्पॉन्डेंट्स अधिक कन्फर्म करने का प्रेशर फील कर सकते हैं और फोकस ग्रुप्स में उतने फोर्थ कमिंग नहीं हो सकते हैं जितने ऑनलाइन होते हैं कभी कभी सोल्यूशन इन्श्योरिंग द राइट लैंग्वेज इज यूज जितना सिंपल हो सकता है स्टेप फोर एनालाइज द इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में नेक्स्ट टू लास्ट स्टेप फाइंडिंग्स एक्सट्रैक्ट करना है इसके लिए डेटा टैब्यूलेट कर समरी मेजर्स डेवलप करने होते हैं रिसर्चर्स अब मेजर वेरिएबल्स के लिए एवरेजेस और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कंप्यूट करते हैं और एडिशनल फाइंडिंग्स डिस्कवर करने की आशा में कुछ एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्नीस और डिसीजन मॉडल्स अप्लाई करते हैं वे डिफरेंट हाइपोथिस और थ्योरीज टेस्ट कर सकते हैं एजम्पन्स और कंक्लूजन्स की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं स्टेप फाइव प्रेजेंट द फाइंडिंग्स लास्ट स्टेप के रूप में रिसर्चर फाइंडिंग्स प्रेजेंट करता है रिसर्चर्स से इंक्रीजिंगली डेटा और इन्फॉर्मेशन को इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस फॉर मैनेजमेंट में ट्रांसलेट करने के लिए प्रोएक्टिव कंसल्टिंग रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है मार्केटिंग इनसाइट ब्रिंगिंग मार्केटिंग रिसर्च टू लाइफ विथ पर्सोनास अप्रोच डिस्क्राइब करता है jo kuch researchers apne consumer research findings ke impact maximize karne liye use kar American Airlines case ke liye main survey findings ne Passengers ultra-high-speed Wi-Fi service primarily to stay connected or receive and send large documents and emails ka upyog karing. Kuch web serve bhi karenge videos or songs download karne liye. They cost charge back to their employers karing. At Pachis dollar, लगभग पांच ऑफ दस फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स किसी फ्लाइट के दौरान वाईफाई सर्विस यूज करेंगे एट पन्द्रह डॉलर लगभग छह करेंगे इस प्रकार पन्द्रह डॉलर की फी पच्चीस डॉलर एक सौ पच्चीस डॉलर पांच पच्चीस डॉलर की तुलना में लेस रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगी नब्बे डॉलर छह पंद्रह डॉलर अज्यूमिंग वही फ्लाइट साल में तीन सौ पैंसठ दिन होती है अमेरिकन कुड कलेक्ट पैंतालीस हजार छह सौ पच्चीस डॉलर एक सौ पच्चीस डॉलर तीन सौ पैंसठ एनुअली गिवन नब्बे हजार डॉलर पर प्लेन का इन्वेस्टमेंट प्रत्येक को ब्रेक इवन करने में दो साल लगेंगे ऑफरिंग अल्ट्रा हाई स्पीड वाईफाई सर्विस अमेरिकन एयरलाइंस की इमेज स्ट्रेंथन करेगी एक इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव कैरियर के रूप में और उसे कुछ नए पैसेंजर्स और कस्टमर गुडविल अर्न करवाएगी मार्केटिंग इनसाइट ब्रिंगिंग मार्केटिंग रिसर्च टू लाइफ विथ प्रसोनस अपनी सभी एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स को लाइफ तक लाने के लिए कुछ रिसर्चर्स पर्सोनास एम्प्लॉय कर रहे हैं पर्सोनास एक या शायद कुछ हाइपोथेटिकल टारगेट कंज्यूमर्स की डिटेल्ड प्रोफाइल्स हैं जो डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक जियोग्राफिक या अन्य डिस्क्रिप्टिव एटीट्यूडिनल या बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में इमेजिड होते हैं फोटोज इमेजेस, नेम्स या शॉर्ट बायोस यह कन्वे करने में हेल्प करते हैं कि टारगेट कस्टमर कैसा दिखता है एक्ट्स करता है और फील करता है जिससे मार्केटर्स अपने सभी मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में वेल डिफाइंड टारगेट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इनकोपरेट कर सकते हैं कई सॉफ्टवेयर कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट इन पर्टिकुलर ने पर्सोनास का यूज यूजर इंटरफेसेस और एक्सपीरियंसेस इंप्रूव करने में हेल्प के लिए किया है और मार्केटर्स ने एप्लीकेशन ब्रॉडन किया है उदाहरण के लिए यूनिलेव का बिगेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल हेयर केयर लॉन्च सनसिल्क के लिए टारगेट कंज्यूमर में इनसाइट्स द्वारा हेल्प किया गया था जिसे कंपनी ने केटी डब किया था केटी परसोना ने बीस समथिंग फीमेल की हेयर केयर नीड्स आउटलाइन की लेकिन उसके परसेप्शंस और एटीट्यूड्स और जिस तरीके से वह अपने एवरीडे ड्रामास को डील करती थी उनको भी आउटलाइन किया स्पेशलिटी टूल एंड इक्विपमेंट मेकर कैम्बेल हॉस्फेल्ड ने उन मेनी रिटेलर्स पर रिलाय किया जिन्हें उसने सप्लाई किया था जिनमें होम डिपो और लॉज शामिल हैं इससे उसे कंज्यूमर्स के साथ इन टच रहने में हेल्प मिली एड कंज़्यूमर प्रोफाइल्स डेवलप करने के बाद जिनमें फीमेल ड्यूट्योसेल्फा और एल्डरली कंज्यूमर शामिल थे फर्म सक्सेसफुली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में सक्षम थी जैसे ड्रिल्स जिनका वेटलेस था या जिनमें पिक्चर हैंगिंग के लिए लेवल शामिल था हालांकि पर्सोनाज मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में एड करने के लिए विविड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन जनरलाइज नहीं करना इम्पॉर्टेंट है किसी भी टारगेट मार्केट में कंज्यूमर्स की रेंज हो सकती है जो मेनी की डायमेंशंस के साथ वेरी करते हैं इसलिए रिसर्चर्स कभी कभी टू टू सिक्स पर्सोनास एम्प्लॉय करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का यूज करते हुए बेस्ट बाय ने गीक स्क्वाड डॉट कॉम के रीडिजाइन और री लॉन्च गाइड करने के लिए पांच कस्टमर पर्सोनाज डेवलप किए जो इसकी नेशनल कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस है जिल सबर्बन मॉम जो अपने कंप्यूटर को डेली यूज करती है और डिपेंड्स करती है गीक स्क्वाड पर जैसे लैंडस्केपर या प्लम्बर पर करती है चार्ली पचास प्लस मेल जो टेक्नोलॉजी के बारे में क्यूरियस है लेकिन उसे अनइंटिमिडेटिंग गाइड चाहिए डरल टेक्नोलॉजिकली सैवी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटर जिसे कभी कभी हेल्पिंग हैंड चाहिए लुईस टाइमप्रेस्ट स्मॉल बिजनेस ओनर जिसका प्राइमरी गोल है टास्क कंप्लीट करना जितना जल्दी हो सके निक प्रोस्पेक्टिव गीक स्क्वाड एजेंट जो साइट को क्रिटिकली व्यू करता है और उसे चैलेंज करने की आवश्यकता है चार्ली को सैटिस्फाई करने के लिए प्रोमिनेंट नौ सौ ग्यारह बटन अपर राइट हैंड कॉर्नर में एड किया गया था अगर क्राइसिस अराइज हो लेकिन निक को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट बाय ने होल चैनल क्रिएट किया जो गीक इन्फॉर्मेशन को डिवोटेड था स्टेप सिक्स मेक द डिसीजन अमेरिकन एयरलाइंस मैनेजर्स ने जिन्होंने रिसर्च कमीशन किया था एविडेंस को वे करने की आवश्यकता है यदि फाइंडिंग्स में उनका कॉन्फिडेंस लो है तो वे अल्ट्राहाई स्पीड वाईफाई सर्विस इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ डिसाइड कर सकते हैं यदि वे इसे लॉन्च करने के लिए प्री हैं तो फाइंडिंग्स उनके इंक्लिनेशन को सपोर्ट करते हैं वे आगे इस इश्यू को स्टडी करने और मोर रिसर्च करने का डिसाइड भी कर सकते हैं डिसीजन उनका है लेकिन रिगरसली डन रिसर्च उन्हें प्रॉब्लम में इनसाइट प्रोवाइड करता है सी टेबल चार दशमलव दो फोर्डी थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का यूज करते हैं ताकि अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प की जा सके जॉन लिटिल ने मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एमडीएसएस को डिफाइन किया है डेटा सिस्टम्स टूल्स एंड टेक्निक्स के कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन के रूप में सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस और एनवायरमेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर और इंटरप्रेट करता है और उसे मार्केटिंग एक्शन के बेसिस में टर्न करता है चवालीस साल में एक बार मार्केटिंग न्यूज हंड्रेड्स ऑफ करंट मार्केटिंग एंड सेल्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लिस्ट करता है Jo marketing research studies design karne, markets segment karne, prices or advertising budgets set karne, media analyze karne, or sales force activity plan karne mein assist kartihe. hai. The seven characteristics of good marketing research scientific method effective marketing research scientific method ke principles ka use karta hai. Careful observation, formulation of hypotheses, prediction, or testing. रिसर्च क्रिएटिविटी चीटो स्नैक्स को रिपोजिशन करने के लिए अवार्ड विनिंग रिसर्च स्टडी में रिसर्चर्स ने ब्रांड मैस्कट चेस्टर सूट पहनी और सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स पर वॉक्ट कैरेक्टर को जो रिस्पांस मिला उससे रियलाइजेशन हुआ कि अडल्ट को भी चीटोज का फन और प्लेफुलनेस लव था रिजल्टिंग रिपोजिशनिंग से डबल डिजिट सेल्स इंक्रीज हुई टफ बिजनेस एनवायरमेंट के बावजूद फोर्टी थ्री मल्टीपल मेथड्स मार्केटिंग रिसर्चर्स किसी एक मेथड पर ओवर रिलायंस करने से शाय अवे करते हैं वे रिजल्ट्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए टू या थ्री मेथड्स यूज करने के वैल्यू को भी रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ मॉडल्स एंड डेटा मार्केटिंग रिसर्चर्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि डेटा अंडरलाइंग मॉडल से इंटरप्रेटेड होता है जो इन्फॉर्मेशन की टाइप गाइड करते हैं जिसे सीख किया जाता है वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्चर्स इन्फॉर्मेशन के वैल्यू को उसकी कॉस्ट के अगेंस्ट एस्टिमेट करने के लिए कंसर्न दिखाते हैं कॉस्ट टिपिकली ईजी टू डिटर्माइन होती हैं लेकिन रिसर्च के वैल्यू को क्वांटिफाई करना हार्ड होता है यह फाइंडिंग्स के रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और मैनेजमेंट के उन फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट और उन पर एक्ट करने की विलिंगनेस पर डिपेंड करता है हेल्थी स्केप्टिसिज्म मार्केटिंग रिसर्चर्स मैनेजर्स द्वारा मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं इस बारे में किए गए ग्लिब अजम्पन्स के प्रति हेल्थ स्केप्टिसिज्म दिखाते हैं वे मार्केटिंग मिथ्स के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स के प्रति अलर्ट होते हैं एथिकल मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च स्पॉन्सरिंग कंपनी और उसके कस्टमर्स दोनों को बेनिफिट करती है मार्केटिंग रिसर्च का मिसयूज कंज्यूमर्स को हार्म या अननॉय कर सकता है जिससे उसमें रिजेंटमेंट बढ़ सकती है जिसे कंज्यूमर्स अपनी प्राइवेसी का इन्वेजन या डिजगाइज सेल्स पिच रिगार्ड करते हैं मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी हालांकि शॉर्ट रन में हम आसानी से मार्केटिंग एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को इनपुट्स के रूप में क्वांटिफाई कर सकते हैं रिजल्टिंग आउटपुट्स जैसे ब्रॉडर ब्रांड अवेयरनेस एनहांस्ड ब्रांड इमेज ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी और इम्प्रूव न्यू प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स मैनिफेस्ट होने में मंथ्स या यर्स लग सकते हैं इस बीच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेंजेस और मार्केटिंग एन्वायरमेंट में एक्सटर्नल चेंजेस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स के साथ कोइनसाइड हो सकते हैं जिससे इसके इफेक्ट्स को आइसोलेट करना हार्ड हो जाता है फोर्टी सिक्स इसके बावजूद मार्केटिंग रिसर्च को मार्केटिंग एक्टिविटीज की एफिशियंसी और इफेक्टिवनेस असिज करनी चाहिए मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी के दो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेज हैं एक मार्केटिंग इफेक्ट्स असिस करने के लिए मार्केटिंग मैट्रिक्स और दो कॉजल रिलेशनशिप्स एस्टिमेट करने और यह मेजर करने के लिए कि मार्केटिंग एक्टिविटी आउटकम्स को कैसे अफेक्ट करती है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग मार्केटिंग डैशबोर्ड्स एक स्ट्रक्चर्ड वे हैं इन दो अप्रोचेज से ग्लीम्ड इनसाइट्स डिसेमिनेट करने के लिए मार्केटिंग मैट्रिक्स मार्केटर्स मार्केटिंग इफेक्ट्स असिस्ट करने के लिए मेजर्स की वाइड वरायटी एम्प्लॉय करते हैं सैंतालीस मार्केटिंग मैट्रिक्स मेजर्स का वह सेट है जो मार्केटर्स को उनके परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कंपेयर एंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है 48. एट मैरी कॉस्मेटिक्स का सीएमओ फोर लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेंथ मैट्रिक्स मार्केट अवेयरनेस कंसिडरेशन ट्रायल एंड बारह मंथ ब्यूटी कॉन्सल्टेंट प्रोडक्टिविटी पर फोकस करेगा साथ ही कई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम स्पेसिफिक मैट्रिक्स जैसे एड इम्प्रेशंस वेबसाइट ट्रैफिक और परचेस कन्वर्शन पर भी फोकस करेगा Virgin America में मार्केटिंग का VP ऑनलाइन मेट्रिक्स कॉस्ट पर एक्विजेशन कॉस्ट पर क्लिक एंड खास फॉर थाउजेंड फेज (CPM) सीपीएम के सेट को देखेगा वह नेचुरल और पेड सर्च और ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग द्वारा ड्रिवन टोटल डॉलर्स को भी देखेगा साथ ही ऑफलाइन वर्ल्ड से ट्रैकिंग रिजल्ट और अदर मैट्रिक्स को भी देखेगा मार्केटर्स पर्टिकुलर इश्यूज या प्रॉब्लम्स के आधार पर एक या मोर मेजर्स चूज करते हैं जिनका वे फेस करते हैं माइंड बॉडी जो वेलनेस और ब्यूटी इंडस्ट्रीज वर्ल्डवाइड के लिए वेब बेस्ड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है कई ऑनलाइन एनालिटिक्स ट्रैक करता है जिनमें शामिल हैं लैंडिंग पेज कन्वर्शन क्लिक थ्रू रेट्स फॉर ऑनलाइन एड्स एंड रैंकिंग्स ऑन गूगल सर्च इसके अलावा माइंड बॉडी साप्ताहिक आधार पर फॉलोइंग ऑनलाइन मैट्रिक्स मॉनिटर करता है एक वेबसाइट एनालिटिक्स साइट नैविगेशन और ऑनलाइन इंटरक्शन के डिटेल्स दो सोशल मीडिया प्रेजेंस डिफरेंट मार्केट्स में सोशल मीडिया चैनल्स को डिफरेंट डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक रिस्पॉन्सेस और तीन परमिशन मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स कंज्यूमर्स के ऑटो ई से इंट्रैक्शंस और एंगेजमेंट के मेजर्स मार्केटिंग मेमो मेजरिंग सोशल मीडिया आर सोशल मीडिया इफेक्ट्स मेजर करने के थोनी इश्यू में कुछ इंसाइट प्रदान करता है मार्केटिंग मैट्रिक्स कंटिन्यूड सिंपल रेलवेंट मार्केटिंग मैट्रिक्स के एडवोकेट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जिनिया के पॉल इस तरह से एनालॉजी ड्रॉ करते हैं जिस तरह से बोइंग सात सौ सैंतालीस जेट पायलट्स कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स की वास्ट ट्रे से इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं उनचास एयरक्राफ्ट पायलट्स के पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जब वे टारमैक पर एंजिन वॉर्म कर रहे होते हैं टेक ऑफ का वेट कर रहे होते हैं तो वे कुछ सर्टन थिंग्स देख रहे होते जब वे टैक्सींग कर रहे होते हैं वे दूसरों को देखते हैं जब वे फ़्लाइट में होते हैं वे स्टिल अदर्स को देखते हैं सीक्वेंस होती है नोइंग की वेन टू पे अटेंशन टू विच मैट्रिक्स इससे उन्हें अपना केक रखने और उसे खाने भी मिलता है सिम्प्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ के टर्म्स में लंदन बिजनेस स्कूल के टिम एम्ब्ला का मानना है कि फर्म्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस के इवेल्यूएशन को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और दो चेंजेस इन ब्रांड एक्विटी पचास शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सर्नस को रिफ्लेक्ट करते हैं जैसा कि सेल्स टर्नओवर शेयर होल्डर वैल्यू या दोनों के कुछ कॉम्बिनेशन द्वारा दिखाया जाता है ब्रांड एक्विडी मेजर्स में शामिल हो सकते हैं कस्टमर अवेयरनेस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स मार्केट शेयर रेलेटिव प्राइस प्रीमियम नंबर ऑफ कंप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी थोड़ो नंबर ऑफ कस्टमर्स परसीव्ड क्वालिटी लॉयल्टी एंड रिटेंशन फिफ्टी वन कंपनीज इंटरनल मेट्रिक्स के एक्सटेंसिव सेट को भी मॉनिटर कर सकती हैं जैसे इनोवेशन फॉर एग्जाम्पल तीन एम सेल्स के प्रोपोर्शन को ट्रैक करता है जो उसके रीसेंट इनोवेशन से रिजल्टिंग होते हैं एम्ब्ल एम्प्लॉई मेजर्स और मैट्रिक्स डेवलप करने की भी रिकमेंड करता है यह आर्ग्यूमेंट देते हुए कि एंड यूजर्स दी अल्टीमेट कस्टमर्स हैं लेकिन योर ओन स्टाफ योर फर्स्ट हैं आपको इंटरनल मार्केट की हेल्थ मेजर करने की आवश्यकता है टेबल चार दशमलव तीन यूनाइटेड किंगडम में एम्बलर के सर्वे से पॉप्युलर इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केटिंग मैट्रिक्स की लिस्ट को समराइज करता है मेजरिंग सोशल मीडिया आओआ इंडस्ट्री एक्सपेंडिचर्स ऑन सोशल मीडिया कैंपेन्स डबल होने की एक्सपेक्ट की जाती है नेक्स्ट फोर ईयर्स में लेकिन कई मार्केटर्स को नहीं पता कि वे अपने डॉलर्स के रिटर्न में क्या पा रहे हैं जब आउडी ने पहला सुपर बॉल एड रन किया था 2011 में जिसमें ट्वीटर हैशटैग फीचर होता है उसे नहीं पता था कि उसके फेसबुक फैन बेस की हाई एंगेजमेंट कितने कार्स के मोर सेल्स में ट्रांसलेट हुई एक रिपोर्ट ने दिखाया कि 50% परसेंट ऑफ फॉर्चून एक हज़ार कंपनीज ने अपने सोशल सीआरएम प्रोजेक्ट्स के पेबैक को बेंचमार्क या मेजर नहीं किया था इनिशियली मेजरिंग सोशल मीडिया इफेक्ट्स का फोकस ईजिली ऑब्जर्व क्वांटिटीज पर था जैसे फेसबुक लाइक्स की नंबर और ट्वीटर ट्वीट्स पर वीक इनका हमेशा मार्केटिंग या बिजनेस सक्सेस से कोरिलेट नहीं होता था इसलिए रिसर्चर्स ने डीपर डिगिंग शुरू की सोशल मीडिया वैल्यू असेस करना कोई ईजी टास्क नहीं है कुछ मार्केटिंग पंडित सोशल मीडिया की कंपेयर फोन से करते हैं आप उन सभी डिफरेंट कॉल्स की आर का असेस कैसे करेंगे जो आप करते हैं बर्न ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च के एक्लेम डिजिटल मार्केटिंग फोर कैटेगरीज में सोशल मीडिया के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखते हैं शॉर्ट टर्म financial बेनिफिट्स ऐसे increased रेवेन्यू या decreased कॉस्ट रेवेन्यू साइट पर जब netshops.com ने रेटिंग्स और रिव्यूज़ को अपनी साइट पर एड किया सेल्स सिक्स मंथ्स के अंदर 26 परसेंट बढ़ गए कॉस्ट साइट पर नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के मेकर्स ने पाया कि उसके यूसर कम्युनिटी के मेम्बर्स ने अदर यूसर्स के छियालीस परसेंट क्वेश्चन के आंसर्स दिए इससे कि टिपिकल दस डॉलर सर्विस कॉस्ट पर कॉल सेव हुई इसके जैसे ही एट टी के रिवैम्प्ड ऑनलाइन कम्युनिटी ने फर्म को वन मंथ में टेलीफोन कस्टमर सपोर्ट में 16 परसेंट सेव कराया शॉर्ट टर्म ओवरऑल डिजिटल बेनिफिट्स जब स्वॉन्सन हेल्थ प्रोडक्ट्स ने अपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ की विजिबिलिटी इंप्रूव की तो वे सर्च एंजिन्स को मोर एक्सेसिबल हो गए और उसके प्रोडक्ट पेजेस पर ट्रैफ़िक एक बढ़ा ऑनलाइन वीडियोज़ कम्युनिटीज ब्लॉग्स और ट्विटर सिमिलरली सर्च परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ब्रांड lift. सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म ब्रांड परफॉर्मेंस मेजर्स improve कर सकता है जब पी जी ने स्की जंपर लिंजी को सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पेज क्रिएट किया तो उसने स्कीइंग को ओलिंपिक स्पोर्ट बनाने के लिए पेटिशन पर चालीस हजार सिग्नेचर्स सोलिसिट की पार्टिसिपेटिंग फेसबुक यूसर्स के सर्वेज में ब्रांड प्रेफरेंस और परचेज इंटेंट में आठ से ग्यारह इंक्रीज पाया गया लॉन्ग टर्म रिस्क क्राइसिस डील करने से फर्म को ओवरटाइम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट हो सकते हैं क्राइसिस को अवॉइड करना या उसे अवर्ट करना इससे बेहतर है कि वह कोई ब्रांड डैमेज क्रिएट करे फर्म्स जैसे मैकडोनल्ड्स और एट के पास कस्टमर सर्विस टीम्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में ट्वीट्स मॉनिटर करती हैं ताकि किसी अलेज्ड प्रॉब्लम्स को निप करें जब वे अभी छोटी हैं फॉरेस्ट सोशल मीडिया एनालिस्ट जैक होफोशैल का मानना है कि सोशल मीडिया से एक्शनेबल इंसाइट्स और मेजरेबल फीडबैक माइनिंग करने के लिए चाहिए एक डेटा इंटरप्रेट करने के लिए राइट पीपल दो स्ट्रैटेजी ड्राइव करने के लिए बिजनेस पर्पज तीन गोल्स अचीव करने के लिए बेस्ट सोशल लिसनिंग प्लेटफॉर्म और चार डेटा एनालाइज करने और एक्शन लेने के लिए फॉर्मलाइज प्रोसेस सोशल मीडिया के पे ऑफ क्रिएट करने और मेजर करने का इजिएस्ट वे है कॉन्टेस्ट स्वीप स्टेक या प्रमोशन को इंक्लूड करना सिलिकॉन वैली एड एजेंसी वाइल्डफायर ने जूस के लिए एक प्रमोशन क्रिएट किया जहां लकी कूपन का वैल्यू केवल इन स्टोर रिवील किया गया लाखों कस्टमर्स एंटर हुए प्रमोशन सक्सेसफुल रहा लेकिन सोशल मीडिया रिजल्ट्स फिर भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं वी और उनके कोलीग सोशल मीडिया सक्सेस के लिए सेवन स्टेप प्रोसेस सजेस्ट करते हैं कई हेल्पफुल इंडीसेज के साथ जिन्हें ईच स्टेप के लिए डेवलप किया जा सकता है कन्वर्सेशंस मॉनिटर करें इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई करें उन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जो वे शेयर करते हैं पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोकेट करें जिनके रेलिवेंट इंटरेस्ट हैं उन इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करें उन्हें पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने के लिए इंसेंटिवेज करें रिवॉर्ड रीप करें रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि सोशल मीडिया का हमारा यूज सिग्निफिकेंट वेज में डिफर करता है पीपल वन वे कम्युनिकेशंस जैसे ब्लॉग्स और ट्वीटर में मोर पॉजिटिव होने लगते हैं उस ट वे फोरम्स की तुलना में जहां वे दूसरों के साथ ब्रांड या प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस शेयर और डिस्कस करते हैं मार्केटिंग मिक्स मार्लिंग मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी का यह भी मीन है कि मार्केटर्स को डिफरेंट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को अधिक प्रिसाइसली एस्टिमेट करना चाहिए मार्केटिंग मिक्स मॉडल्स डेटा एनालाइज करते हैं वराइटी ऑफ सोर्सेज से जैसे रिटेलर स्कैनर डेटा कंपनी शिपमेंट डेटा प्राइसिंग मीडिया और प्रमोशन स्पेंडिंग डेटा ताकि स्पेसिफिक मार्केटिंग एक्टिविटीज के इफेक्ट्स को अधिक प्रिसाइसली समझ सके तिरपन अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए मार्केटर्स मल्टीवेरिएट एनालाइसिस कॉन्डक्ट कर सकते हैं जैसे रिग्रेशन एनालिसिस सो थ्रू करने के लिए कि हाउ ईच मार्केटिंग एलिमेंट मार्केटिंग आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है जैसे ब्रांड सेल्स या मार्केट शेयर स्पेशली पॉपुलर पैकेज गुड्स मार्केटर्स के साथ जैसे प्रॉक्टर गैम्बल क्लोरॉक्स एंड कोलगेट मार्केटिमिक्स मॉडलिंग के फाइंडिंग्स हेल्प करते हैं एलोकेट करने में या रियालोकेट करने में एक्सपेंडिचर्स एनालाइसिस एक्सप्लोर करते हैं कि एट बजट्स का कौन सा पार्ट वेस्टेड है ऑप्टिमल स्पेंडिंग लेवल्स क्या हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेवल्स क्या होने चाहिए ऑल दो मार्केटिमिक्स मॉडलिंग इफेक्ट्स आइसोलेट करने में हेल्प करती है यह असेस करने में लेस इफेक्टिव है कि कैसे डिफरेंट मार्केटिंग एलिमेंट्स वर्क करते हैं कॉम्बिनेशन में वॉटन के रीप्स टाइम थ्री अदर शॉर्टकमिंग्स भी नोट करते हैं Chavan. Marketing mix modeling focuses on incremental growth instead of baseline sales or long-term effect. Important metrics like customer satisfaction, awareness, or brand equity ka integration marketing mix modeling may limited hai. Marketing mix modeling generally fail kartihe, metrics incorporate karne major competitors, D trade, ya sales force se related hotehe. Average business far more spend kartahe, sales force or trade promotion per. एडवर्टाइजिंग या कंज्यूमर प्रमोशन की तुलना में मार्केटिंग डैशबोर्ड्स फर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और सिस्टम्स एम्प्लॉय भी कर रही हैं यह श्योर करने के लिए कि वे इन सभी डिफरेंट मेट्रिक्स के वैल्यू मैक्सिमाइज करते हैं मैनेजमेंट रेलेवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल मेजर्स का समरी सेट असेंबल कर सकता है मार्केटिंग डैशबोर्ड में सिंथेसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए मार्केटिंग डैशबोर्ड्स इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरह होते हैं कार या प्लेन में visually displaying real-time indicators to ensure proper functioning formally marketing dashboards a concise set of interconnected performance drivers to be viewed in common throughout the organization hote hain. 55 dashboards only as good hote hain as the information on which they are based like in sophisticated visualization tools data ko alive lane mein help kar rahe hain. color coding symbols or different types of charts tables और गॉजेज ईजी टू यूज और इफेक्टिव होते हैं कुछ कंपनीज मार्केटिंग कंट्रोलर्स भी अपॉइंट कर रही हैं बजट आइटम्स और एक्सपेंसेस रिव्यू करने के लिए इंक्रीजिंगली ये कंट्रोलर्स बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं डिजिटल वर्जनस क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग डैशबोर्ड्स के जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा एग्रीगेट करते हैं स्कोकार्ड कॉन्सेप्ट कंपनीज को मार्केटिंग डैशबोर्ड के लिए इनपुट के रूप में टू की मार्केट बेस्ड स्कोर कार्ड्स इंक्लूड करने चाहिए ये कार्ड्स परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते हैं और पॉसिबल अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड मेंटेन किया जाना चाहिए कंपनी के परफॉर्मेंस को ईयर आफ्टर ईयर ट्रैक करने के लिए कस्टमर बेस्ड मेजर्स पर This scorecard may measures include onee chahiye a percentage of new customers to the average number of customers, percentage of lost customers to average number of customers, percentage of win-back customers to average number of customers, percentage of customers falling into different satisfaction categories, a percentage of customers who say they would repurchase or recommend the product. Management ko target goal set karne chahiye each measure ke or action lena chahiye jab results get out of bounds. स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस कॉकार्ड भी मेंटेन किया जाना चाहिए सेटिस्फैक्शन ट्रैक करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्युएंसिस का जो क्रिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस में और इम्पैक्ट करते हैं इसे इन कॉन्स्टिट्यूएंसिस में शामिल हैं एम्प्लॉज सप्लायर्स बैंक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स एंड स्टॉकहोल्डर्स मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए जब वन और मोर ग्रुप्स इंक्रीज या अबाव नॉर्म लेवल्स ऑफ डिसेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करते हैं कुछ एग्जीक्यूटिव्स वरी करते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स ऑन अ डैशबोर्ड पर बहुत फोकस करने से वे बिग पिक्चर मिस कर सकते हैं क्रिटिक्स भी कंसर्न हैं प्राइवेसी के बारे में और उस प्रेशर के बारे में जो टेक्निक प्लेस करती है एम्प्लॉज पर हाउएवर मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि रिवॉर्ड्स आउटवे करते हैं रिस्क को प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए इन मार्केटिंग टूल्स के डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग मेमो डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग डैशबोर्ड्स कुछ यूजफुल इंसाइट्स प्रदान करता है डिज़ाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग डैशबोर्ड्स मार्केटिंग कंसल्टेंट पैट प्वाइंट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं ऑल द नेसेसरी अपटूडेट इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए जैसे सेल्स वर्सेज फोकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिवनेस ब्रांड एक्विटी एवोल्यूशन और ह्यूमन कैपिटल डेवेलपमेंट प्वाइंट का मानना है कि इफेक्टिव डैशबोर्ड थिंकिंग फोकस करने इंटरनल कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने और रिवील करने में हेल्प करेगा जहां मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स पेइंग ऑफ कर रही हैं और जहां वे नहीं कर रही हैं वह फोर कॉमन मेजरमेंट पाथवेज भी ऑब्जर्व करते हैं जिनका मार्केटर्स आज परसिट करते हैं ये पाथवेज हैं कस्टमर मैट्रिक्स पाथवे यूनिट मैट्रिक्स पाथवे कैश फ्लो मैट्रिक्स पाथवे और ब्रांड मैट्रिक्स पाथवे कस्टमर मैट्रिक्स पाथवे यह देखता है कि कैसे प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स बनते हैं अवेयरनेस से प्रेफरेंस से ट्रायल से रिपीट परचेस तक या सम लेस लिनियर मॉडल यह एरिया यह भी एग्जामिन करता है कि कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस परसेप्शन ऑफ वैल्यू और कंपिटेटिव एडवांटेज में कंट्रीब्यूट करता है यूनिट मैट्रिक्स पाथवे रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केटर्स यूनिट्स की सेल्स के बारे में क्या जानते हैं प्रोडक्ट सर्विस के जिसमें शामिल है कितना सोल्ड होता है प्रोडक्ट लाइन द्वारा और या जियोग्राफी द्वारा मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड एज एन एफिशियंसी स्टिक और जहां और हाउ मार्जिन ऑप्टिमाइज्ड होता है टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कैश फ्लो मैट्रिक्स पाथवे फोकस करता है हाउ वेल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट टर्म रिटर्न अचीव कर रहे हैं प्रोग्राम और कैंपेन आर ओ मॉडल्स मेजर करते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गिवन इन्वेस्टमेंट Brand metrics pathway tracks kartihe. Development of the longer-term impact of marketing ke through brand equity measures Joe assess karte Both the perceptual health of the brand from customer and prospective customer perspectives or overall financial health of the brand. Points suggest that ki marketing dashboard insights present kar sakta hai. all the pathways a graphically related view may management ko help kartahe, subtle links dekhne mein between them. Tabs use ko allow kar sakte easily toggle karne ke liye between different families of metrics jo organized ho customer product experience brand channels efficiency organizational development ya macro environmental factors dwara each tab presents karta hai three or four most insightful metrics data ke saath jo filtered ho business unit geography ya customer segment dwara users needs ke based par ideally over time मैट्रिक्स की नंबर ऑन द डैशबोर्ड रिड्यूसड की जाएगी कुछ की ड्राइवर्स तक इस बीच प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और रिफाइनिंग द मार्केटिंग डैशबोर्ड अनडाउटेडली रेज करेगा और रिजॉल्व करेगा कई की क्वेश्चन बिजनेस के बारे में खेई स्टडी ऑफ बिजनेस आइडियो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म्स में से एक है कंपनी ने टेक्नोलॉजी एज के कई पहचानने योग्य डिजाइन आइकॉन्स बनाए हैं जिनमें शामिल हैं पहला लैपटॉप कंप्यूटर एप्पल के लिए पहला माउस पाम वीपीडीए और वो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर अपनी हाईटेक विजर्डरी से परे कंपनी ने रेवोल्यूशनरी हाउसहोल्ड आइटम्स डिजाइन किए हैं जैसे स्विफर स्वीपर और क्रेस्ट का स्टैंड अप टूथपेस्ट ट्यूब दोनों प्रॉक्टर अगैम्बल के लिए आइडियो के क्लाइंट्स के डाइवर्स रोस्टर में शामिल हैं एटटी बैंक ऑफ अमेरिका फोर्ड मोटर कंपनी पेप्सिको नाइकी मैरियट कैटापिल्लर ईलाई लिल्ली लफ्थानसा और मायो क्लिनिक आइडियो की सक्सेस एक अप्रोच पर प्रेडिकेटेड है जिसे डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है एक इनोवेटिव मेथड जो बिहेवियर को इंकॉपरेट करता है डिज़ाइन में यह प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अनकन्वेंशनल वे है और टीम्स फॉर्म करके स्टार्ट होता है इंडिविजुअल्स की जिनके वेरियस बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस हैं टीम मेंबर्स इंक्लूड होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और जर्नलिस्ट से लेकर एमबीएज और इंजीनियर्स तक आइडियो का बिलीफ है कि यदि आप एक डाइवर्स ग्रुप को टुगेदर लाते हैं इन टैलेंट्स के साथ तो वे एक दूसरे के आइडियाज़ के ऊपर बिल्ड करेंगे और ऐसा सोल्यूशन लेकर आएंगे जो एक माइंड अकेले नहीं रीच कर सकता इसके बाद आइडियो बिहेवियरल रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के डिफ़रेंट मेथड्स का यूज़ करती है कंज़्यूमर के माइंड में गेट करने के लिए इससे आइडियो को डीप इन्साइट्स अनकवर करने में हेल्प मिलती है और समझने में कि कैसे कंज़्यूमर्स प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं इंट्रैक्ट करते हैं यूज करते हैं और यहां तक कि डिस्पोज करते भी हैं फॉर एग्जाम्पल एक मेथड कंज्यूमर्स को शैडो करता है उनकी पिक्चर्स या वीडियोस लेता है प्रोडक्ट पर्चेज या यूज ओकेजन के दौरान और उनके एक्सपीरियंसेस को फर्दर इवेल्युएट करने के लिए उनके साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज कॉन्डक्ट करता है आइडियो बिहेवियरल मैपिंग नामक एक और मेथड यूज करता है और लोगों का फोटोग्राफिक लॉग मेंटेन करता है सर्टन एरिया के भीतर जैसे एयरलाइन डिपार्चर लॉन्च हॉस्पिटल वेटिंग रूम या फूड कोर्ट यह गेज करने के लिए कि एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है पार्टिसिपेंट्स कैमरा जर्नल रखते हैं जिसमें वे अपने विजुअल इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं गिवन प्रोडक्ट या कैटेगरी के आइडियो कंज्यूमर्स को यह भी इन्वाइट करती है कि वे स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज करें और पर्सनल नेरेटिव्स वीडियोस, स्किट्स या यहां तक कि एनिमेशंस शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ आइडियो का ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कई हाईटेक फर्म्स के प्रिवेलिंग विजडम के काउंटर चलता है जो प्रोडक्ट्स डिजाइन करते समय अपने ओन कैपेबिलिटीज पर अधिक फोकस करते हैं डेविड ब्लेकली आइडियो के टेक्नोलॉजी ग्रुप के हेड ने एक्सप्लेन किया टेक कंपनीज डिजाइन करते हैं इनसाइड आउट से जबकि हम डिजाइन करते हैं आउटसाइड इन से ताकि हम कस्टमर्स को फर्स्ट रख सकें अल्टीमेटली कंपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है जो कंज्यूमर्स वॉन्ट करते हैं और वैल्यू करते हैं क्योंकि वे सुपीरियर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रीसेंट प्रोडक्ट इनोवेशंस में शामिल हैं हार्ट डिफिब्रिलेटर जो इंस्ट्रक्शंस के साथ टॉक करता है इमरजेंसी के दौरान और क्लासिक वुडन क्लासरूम चेयर का रिनोवेटेड वर्जन मैरियट ने आइडियो को हायर किया था अपनी कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल्स को यंगर गेस्ट्स के लिए मोर अपीलिंग बनाने में हेल्प करने के लिए आइडियो ने इंटरव्यूज कंडक्टेड किए और गेस्ट्स को ऑब्जर्व किया होटल के लाउजेस लॉबीज और रेस्टोरेंट्स में इसकी रिसर्च ने रिवील्ड किया कि यंगर गेस्ट्स होटल के पब्लिक प्लेसेस में एक्टिविटी की कमी से टेक्नोलॉजी ऑफर की कमी से और पुअर फूड ऑप्शन से टर्न ऑफ हो रहे थे एज अ रिजल्ट कोर्टयार्ड बाय मैरियट ने अपने फर्नीचर और डेको को अपडेट किया ताकि वे मोर कंफर्टेबल और इन्वाइटिंग हों होटल ने एडवांस टेक्नोलॉजी ऑप्शंस ऐड किए अपने लॉबीज और लाउजेज में जैसे फ्लैट स्क्रीन टीवीएस और फ्री वाईफाई मैरिट ने अपने ब्रेकफास्ट बफेट्स को चौबीस बटासाथ कॉफी शॉप स्टाइल कैफेस में कन्वर्ट किया जहां गेस्ट्स क्विकली गुरमेट कॉफी ड्रिंक और हेल्थी बाइट टू ईट एनी टाइम ग्रैब कर सकते थे कोर्टयार्ड ने न्यू आउटडोर हैंगआउट स्पॉट्स भी क्रिएट किए साउंड स्पीकर्स और फायर पिट्स के साथ रिनोवेशंस के बाद चेन ने अपना टैगलाइन चेंज कर दिया कोर्टयार्ड इट्स अ न्यू स्टे प्रोटोटाइपिंग आइडियो की डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू आउट होती है ताकि इंडिविजुअल्स फिजिकली प्रोडक्ट टेस्ट आउट कर सकें इसे एक्सपीरियंस कर सकें और प्रत्येक डेवलपमेंट लेवल के दौरान इसमें इम्प्रूव कर सकें आइडियो अपने क्लाइंट्स एंकरेज करता है यहां तक कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एक्चुअल कंज्यूमर एक्सपीरियंस का सेंस मिल सके फॉर एग्ज़ाम्पल वेन इसने एप्पल के फर्स्ट माउस के लिए प्रोटोटाइप क्रिएट किया स्टीव जॉब्स को वह साउंड लाइक like नहीं कि जो वह बनाता था जब वह डेस्क पर चारों ओर मूव होता था और इंसिस्टेड किया कि आइडियो नॉइज रिड्यूस करने का तरीका खोजे डिज़ाइन फर्म ने इस ह्यूज टेक्निकल ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया और स्टील बॉल को सक्सेसफुली रबर कोटेड कर दिया इसके फंक्शन के साथ इंटरफियर किए बिना आइडियो के नॉवल लेड अप्रोच टू डिजाइन ने काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज और अवार्ड्स जनरेट किए हैं फर्म और इसके क्लाइंट्स के लिए इसके वर्क ने इंस्पिरेशन के रूप में भी काम किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिजाइन स्कूल के क्रिएशन के लिए द प्लैटना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जहां स्टूडेंट्स डिजाइन थिंकिंग के आसपास सेंटर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करते हैं आइडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इसके डिजाइन्स क्लाइंट्स के लिए यूसेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंपनी इस गोल को अचीव करने के लिए ब्रॉड और डीप जाती है अपनी फाउंडिंग के बाद से इसे थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स इश्यू किए गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन रेवेन्यूज जनरेट किए हैं इन फाइनेंशियल और टैक्स सोल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलप और सेल करता है कंज्यूमर्स और स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए कंपनी की फाउंडिंग उन्नीस में फॉर्मर प्रॉक्टर गैम्बल एम्प्लॉय स्कॉट कुक ने और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्रामर टॉम प्राउक्स ने की थी जब कुक ने रियलाइज़ किया कि उसके बिल पेइंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने का बेटर वे होना चाहिए लगभग तीस ईयर्स से इंट्वीट का मिशन रहा है लोगों के लाइव्स को रेवोल्यूशनाइज करना उनके इम्पॉर्टेंट बिजनेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके इन्ट्वीट ने अपना पहला प्रोडक्ट क्विक इनको उन्नीस में लॉन्च किया लेकिन अपने पहले कुछ ईयर्स में ऑलमोस्ट ट्वाइस बिजनेस से बाहर चला गया था सर्वाइव करने के लिए इंट्वीट ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी चेंज की और अपने सॉफ्टवेयर को बैंक्स को बेचा ट्रेड जर्नल्स में कुछ फेवरेबल रिव्यूज़ और इफेक्टिव प्रिंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बाद जिसमें एक से 800 नंबर फीचर होता था कंपनी को उसका पहला ब्रेक मिला 1988 तक क्विक इन मार्केट पर बेस्ट सेलिंग फाइनेंस प्रोडक्ट था उन्नीस में इंट्वीट ने क्विक बुक्स लॉन्च किया जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बुककीपिंग और पेरोल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था और अगले साल पब्लिक हो गया इन ट्वीट अर्ली एक नो नो शू ने इसमें क्विकली ग्रो हुआ क्विक इन क्विक बुक्स और टबोटैक्स के सक्सेस के कारण जो उसका टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था इन ट्वीट के प्रोडक्ट्स ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ ऐसा किया जो मोर कॉम्प्लीकेटेड अकाउंटिंग पैकेजेस नहीं करते थे उन्होंने फाइनेंस और टैक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल इजी टू यूज मैनर में सॉल्व किया इन ट्वीट ने करेक्टली रिकॉग्नाइज किया था कि सिंप्लिसिटी की थी नॉट इनडेप्थ अकाउंटिंग एनालिसिस उन्नीस सौ पंचानवे तक फर्म ने 70 परसेंट मार्केट शेयर होल्ड किया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे दो डॉलर बिलियन में परचेस करने की ट्राई की जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाउएवर डील को एंटी एंटीकम्पिटेटिव के रूप में ब्लॉक कर दिया और बायआउट कोलैप्स हो गया उन्नीस से उन्नीस तक इंट्वीट का स्टॉक बेहत्तर परसेंट टम्बल हुआ और कंपनी को अपने स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स रिफोकस करने के लिए फोर्स किया गया यह इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग कैपेबिलिटीज की ग्रोइंग पावर और एक्सटेंसिव कंज्यूमर रिसर्च से वैल्यूएबल इनसाइट की ओर टर्न हुआ ताकि न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके इस नए स्ट्रैटेजिक फोकस और कंज्यूमर रिसर्च पर एम्फोसिस ने कंपनी के स्टॉक वैल्यू और मार्केट पोजीशन को अर्ली दो शू ने शू ने शू ने इंप्रूव करने में हेल्प की 2007 में स्कॉट कुक चाहते थे कि कंपनी इनोवेशन पर इवन मोर इंटेंटली फोकस करे एज अ रिजल्ट उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अप एनकमिंग अप्रोच एडॉप्ट किया जिसे डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है डिजाइन थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का अनकन्वेंशनल वे है जो एक्सटेंसिव कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन और रिसर्च को ट्रायल एंड एरर और ऑनगोइंग प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग के साथ इनकॉपरेट करता है टुडे इन टू इट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंड करती है अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेट रेवेन्यूज कंज्यूमर रिसर्च पर प्रत्येक ईयर यह रिसर्च इन ट्वीट को यह समझने में हेल्प करती है कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करते हैं और उनके बारे में कैसा फील करते हैं और टेक्नोलॉजी कंज्यूमर नीड्स और कंपटीशन के साथ अब्रेस्ट रहते हैं फील्ड रिसर्च ट्वीट को वैरायटी ऑफ वेज में इंसाइट अनकवर करने में हेल्प करती है साइट विजिट के दौरान ट्वीट रिसर्चर्स इंडिविजुअल के होम या ऑफिस विजिट करते हैं ताकि ऑब्जर्व कर सकें कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं क्या वर्क्स करता है वेल well, क्या यूजर्स को फ्रस्ट्रेट्स करता है और प्रोडक्ट्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है लैब स्टडी कंज्यूमर्स को इंट्वीट की रिसर्च लैब्स में से एक पर इन्वाइट करती है ताकि इंट्वीट के न्यू प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ को टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर सकें रिमोट स्टडी के दौरान कंज्यूमर्स का फ़ोन पर इंटरव्यू किया जाता है और अक्सर न्यू डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को इंटरनेट के ओवरव्यू करने के लिए कहा जाता है इंट्वीट इंस्टीट्यूट फॉर दी फ्यूचर के साथ ऑनगोइंग एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी भी कॉन्डक्ट करती है ताकि स्मॉल बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में और सीख सके कंपनी जो सीखती है उसे वह अपने प्रोडक्ट्स के वर्जन्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रत्येक ईयर का यूज करती है और फाइनेंशियल और टैक्स सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट जेनरेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए करती है इन के इनडेप्थ रिसर्च ने हाल ही में इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ओर लीड किया फॉर एग्जाम्पल एम्प्लाईज ने यंग कंज्यूमर्स को इंट्वीट टैक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज करते हुए फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखा क्योंकि वे अपने टैक्स फॉर्म्स के पिक्चर्स नहीं ले सकते थे और अपने टैक्सेस को अपने मोबाइल डिवाइस के वाया कंप्लीट नहीं कर सकते थे इस फ्रस्ट्रेशन और इंट्वीट की कंज्यूमर के लिए कीन एम्पथी ने टैक्स ऐप के डेवलपमेंट की ओर लीड किया जिसे स्नैपटैक्स कहा जाता है दो में लॉन्च इसे तब से मिलियन टाइम्स से ज्यादा डाउनलोड किया गया है इन्ट्वीट के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड सीजनल है और इसके मार्केटिंग एफर्ट्स टिपिकली कॉन्सेंट्रेट होते हैं टैक्स प्रिपरेशन टाइम नवंबर थ्रू अप्रैल के आसपास उस टाइम के दौरान इंट्वीट प्रोमोशंस डेवलप करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओएम्स और मेजर रिटेलर्स के साथ डायरेक्ट मेल वेब मार्केटिंग प्रिंट रेडियो और टेलीविजन के वाया हालांकि इंट्वीट के मार्केटिंग कैंपेन्स यर्स के साथ इवॉल्व हुए हैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस इसके मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स रहे हैं इसके अर्ली डेज से हैरी फोर्स हाइमर चीफ कम्युनिकेशं ऑफिसर और मार्केटिंग लीडर ने एक्सप्लेन किया इसे मेजर करना थोड़ा हार्ड है लेकिन जब आपको पता है कि रफली एट आउट ऑफ दस कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट बॉट किया वर्ड ऑफ माउथ के कारण तो बहुत पावरफुल टूल होता है सो so हमारे कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज करना हमारे डीएनए का पार्ट है और कस्टमर्स के साथ टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करना क्रिटिकल है एंड दैट टाइमली बेसिस नाउ इंस्टेंटेनियस है इन ग्लोबली एक्सपैंड हुई है न्यू प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स के थ्रू और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस के थ्रू स्कीमिन डॉट कॉम की परचेज ने फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स को एक और टूल देकर वैल्यू एड किया उनके स्पेंडिंग एनालाइज करने के लिए बजट के अगेंस्ट इंट्वीट ने डीमांड फोर्स को भी एक्वायर किया जिसने ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टूल्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी एड की स्मॉल बिजनेसेस के लिए 2009 में इंट्वीट ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ फाइट जीती जब सॉफ्टवेयर जायंट ने अपने मनी प्रोडक्ट लाइन को डिस्कन्टिन्यू कर दिया अठारह यर बैटल के बाद क्विक इनके साथ और कंपनी के एक्सपांशन ने मोबाइल सोल्यूशंस में यंग कंज्यूमर्स को एंकरेज किया है इसके फाइनेंस और टैक्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने के लिए इंट्वीट के अब 50 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन्स हैं और 45 मिलियन से अधिक कस्टमर्स ने पास्ट फाइव ईयर्स में इसकी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का यूज किया है जैसे इंट्विट ग्लोबली एक्सपैंड करती है यह वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स के लिए न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है इंडिया में फॉर एग्जाम्पल इंट्वीट ने लॉन्च किया जो सर्विस है जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को अप टू डेट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन देती है जिससे उन्हें अपने क्रॉप्स के लिए बेस्ट प्राइस पाने में हेल्प मिल सके इन ने फिस्कल ईयर 2014 के लिए रेवेन्यू में चार डॉलर इक्यावन सेंट बिलियन अर्न किए प्राइमेली क्विक इन क्विक बुक्स और टर्बोटैक्स सेल्स से। ऐसी आई जीरेमीटी का उपयोग पिट्सबर्ग में नए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल डिजाइन करने कैम्पेल के लिए क्लासिक सूप लेबल्स को रिमेक्ट करने और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के लिए प्रोस्पेक्टिव अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के लिए लेटर्स इम्प्रूव करने में मदद के लिए भी किया गया है